hello क्लियर है नहीं हेलो 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 हाँ जी नहीं नहीं थोड़ा कम बेबी को बेस पसंद है मेरे को नहीं <laughs> चलो जी चालू करेंगे आज जितने जोश में दिख रहे हैं <laughs> अच्छा गुड मॉर्निंग आज जो उनका जोश दिख रहा है ना सर <laughs> ये फाउंडेशन क्लियर करके इतने जोश के अंदर में आए हैं बेस्ट बात ये होगी कि इसको मेंटेन करके रखना ये सुनो, सो वेरी वेलकम वी ऑल टुडे वी आर मिसिंग अभिषेक सर क्यों नहीं आए सर तो सर इज नॉट हिस्टर बट ये टीम ऑफ इक इज हियर एंड वी वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर बैच ऑफ सी एंटर राइट सबसे पहले तो हर्टीज कंग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग द सी ए फाउंडेशन एग्जामिनेशन थोड़ा सा आवाज आगे ऑनलाइन आवाज क्लियर है सभी लोगों को यस yes. तो जी सभी लोग यहां पे हैं आई सी ए विजय सार्डा विल बी टीचिंग यू डायरेक्ट एक्सेस मेरे बाजू में खड़े हैं दर्शन खरे सर विल बी टीचिंग यू द लॉ सब्जेक्ट उसके बाजू में खड़े वायम सर दैट इज यशोन मंगल सर ऑल द वे फ्रॉम उदयपुर और <laughs> जिनको आप जब से देख रहे हैं <laughs> मैं जे विल बी टीचिंग यू ऑडिट तो स्टार्ट करते हैं सर फर्स्ट okay. okay. एक दो ही प्रिंसिपल जो कंसिस्टेंटली याद रखने हैं अगर आपको इंटर बहुत अच्छे से, से पास करना है ठीक है क्लास सभी चीजों के ऊपर बैलेंस होगी एकत्र में सबसे पहले 100 परसेंट क्लैरिटी पर 100 परसेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए व्हाट इज नॉलेज क्योंकि क्योंकि सी बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है और जब तक कि आपको नॉलेज नहीं आएगा या नॉलेज नहीं देंगे तब तक 100% परसेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं दिया जा सकता इज इज इट सो दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद द नॉलेज पर हम कितना भी भारी पढ़ाए एक चीज के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड है दैट इज राइटिंग इज इट ये सो नो कि आप कितना अच्छे से लिख सकते हो और फाउंडेशन में लॉ के अंदर आप ये जान चुके होंगे इज इट सो so, इस बार के मार्क्स फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से बांटे हैं लॉ में यू वुड हैव अंडरस्टूड कि आपने क्या प्रिपेयर किया था और उन्होंने क्या दे दिया बोलो ऐसे लड़की का फोटो अलग था शादी के बाद अलग दिखती है सो दिस इज द सिचुएशन एंड दैट इज वाई हम दोनों चीजों के ऊपर बैलेंस करते हैं दैट इज कंसेप्ट नॉलेज एट द सेम टाइम वी हैव टू गो फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो ठीक है दो प्रिंसिपल्स आपने याद रखने हैं पूरे इंटर को पास करना है तो प्रिंसिपल नंबर बी वेरी कंसिस्टेंट इन द क्लास ऐसा सिचुएशन होता है कि अगले 20-25 दिन में बहुत सारे लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है क्योंकि 11 घंटे की क्लास चलने वाली है 11 घंटे कोई जॉब भी नहीं करता यू आर स्टिल डूइंग द क्लास पर ऐसा नहीं है हमारे पास कोई अच्छी चीज है बुरी चीज है हमारे पास दोनों बुरी चीजें है उसमें से हम वो वाली दे रहे जिससे तुमको सबसे कम डैमेज हो क्योंकि अगर हम छे घंटे यहां पे ग्यारह घंटा नहीं पढ़ाएंगे छह सब्जेक्ट ऑन एंड एवरेज जिसके लिए दो सौ घंटा पर सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के लिए लगता है वहां अगर हम ग्यारह घंटा नहीं पढ़ाएंगे तो आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए थ्री मंथ्स नहीं मिलेंगे और अगर सेल्फ प्रिपरेशन के थ्री मंथ्स नहीं मिलेंगे तो फिर तो ना एंड दैट इज वाई बी कंसिस्टेंट इन द क्लास जैसे हो जो हो यहां तक पहुंच जाओ दरवाजे के अंदर हो कबड्डी जैसा हाथ डाल देना मैं खींच लूंगा आपका होते होते आपको सब्जेक्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फॉर श्योर sure. और ये होना ही है अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट हो तो अगले 15-20 दिन तक कृपया खुद के हेल्थ का ध्यान रखिए ठीक है अच्छी चीजें खाइए क्योंकि पहले 15-20 दिन में ही जो बीमार हो जाता है उसके बाद में उसका मॉरल भी डाउन हो जाता है

हेलो गुड मॉर्निंग सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट ऐसे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये सरकार सबसे पहले बहुत तो बहुत बधाई आपको सीए इंटरमीडिएट में आप आ गए हैं एंड सी ए फाउंडेशन अब आपको बहुत ईजी लगता होगा कि सी ए फाउंडेशन बहुत ईजी था सो सी ए इंटर जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा टफ है पर जब आप पढ़ लोगे एंड एग्जाम से पास हो जाओगे तो आपको लगे नहीं इजी था पर जैसा सर ने बताया सी ए इंटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो की ऑफ सक्सेस इसको बोल सकते हैं दैट इज द देखिए यू नो एक्चुअली प्रैक्टिकल मार्केट में प्रैक्टिकल मार्केट में मतलब टैक्सेशन हो गया अकाउंटेंसी हो गया लॉ हो गया जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले ऑडिट हो गया ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो आप पहली बार पढ़ेंगे और पेरिवर क्यों बढ़ेंगे क्योंकि आपके प्रैक्टिकल मार्केट में जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे वहां ये सारे सब्जेक्ट काम आने वाले हैं क्लियर तो सर आपको केवल आंसर्स नहीं आने चाहिए आपको उन आंसर्स का इंप्लिकेशन भी आना चाहिए सो वी विल एश्योर यू हियर कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा एक एग्जांपल देता हूं आपको जो मैं नॉर्मली हर बैच में देता हूं यू you नो know, अगर आप कभी <coughs> अगर आप कभी टैक्स पे करने में लेट हो गए टैक्स भले इनकम टैक्स हो जीएसटी हो कोई भी टैक्स हो अगर आप लेट हो गए तो क्या होगा फांसी मर्डर तो तो लेट होने पर इंटरेस्ट लगता है पेनल्टी क्यों लगता है कोई ऑफेंस किया तो कोई ऑफेंस किया तो पेनल्टी लगेगा और अगर आप पेमेंट लेट करते हो तो क्या लगेगा इंटरेस्ट अच्छा बैंक से अगर आपने लोन लिया किसी भी बैंक से लोन लिया क्या लगता है भाई इंटरेस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लियर सो so, अगर आप टैक्स पे करने में लेट हो गए यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन जीएसटी 18 टी परसेंट एटीन परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब एटीन परसेंट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अब सेकंड केस लेते हम <coughs> कि अगर मान लो आपने कभी टैक्स पे किया और वो रिफंड बनता है किसी कारण से आप कोई केस जीत गए और वहां रिफंड बनता है एंड आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और गवर्नमेंट रिफंड देने में लेट हो गया तो नाउ गवर्नमेंट विल ऑल्सो पे द इंटरेस्ट यू नो वॉट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स परसेंट पर हम लेटोगे तो एटीन चले चोर हमसे कितना एटीन खुद से बड़े नाइन साहब ये नया नारे तो अब सर ये तो हो गया आपने पढ़ लिया अगर केवल इतना पढ़ लिया देन यू विल बी अ गुड अकाउंटेंट अगली बात सुन ली और समझ ली देन यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट परसेंट क्यों सर क्योंकि अगर एटीन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर उसको सिक्स परसेंट कर दे तो क्या हो हर कोई टैक्स लेट पे करेगा क्यों क्योंकि साहब नॉर्मल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट थर्टीन परसेंट अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा फिफ्टीन परसेंट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं क्या करूंगा बैंक से लोन नहीं लूंगा अपना टैक्स लेट पे करूंगा और केवल इंटरेस्ट कितना पे करना है सिक्स परसेंट तो हर कोई क्या करेगा सर टैक्स लेट पे करेगा ज वाई गवर्नमेंट ने क्या किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा भाई एटीन परसेंट क्या गलत किया गया मार्केट कंडीशन को देखते हुए बिल्कुल सही पर यही अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई सिक्स उसको भी एडिन कर दो अगर उसको एटिन कर देंगे तो लोगों के लिए तो इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा यार एफ डी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सिक्स परसेंट सेवन परसेंट और अगर आप जब सीनियर सिटीजन बन जाएंगे तो आठ परसेंट अरे हाँ ना भाई और अगर गवर्नमेंट वहाँ अठारह परसेंट देने लग जाए तो अभी रिफंड के लिए क्या होता है जब हम रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट हाथ जोड़ने पड़ते हैं ऑफिसर को साहब रिफंड सर प्लीज़ सर है हाँ ना रिश्वत भी देनी पड़ती कुछ लोगों को अरे ऐसे नो सर अगर एटीन परसेंट कर दे तो ऑफिसर हाथ जोड़ेगा सर रिफंड ले लो ना प्लीज़ सर नहीं तो इंटरेस्ट कितना है एटीन और हम क्या बोलते हैं नहीं नहीं कीप इट यू शेयर मार्केट में लगाएंगे तो अभिषेक सर के अलावा कोई भी और अठारह परसेंट से ऊपर नहीं दे पाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी छह परसेंट सर इसलिए समझ लिया और सीख लिया नहीं करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जीएसटी में एटीन अपने आप याद हो गया ना भाई गवर्नमेंट का कितना है सिक्स विद लॉजिक अगर इसमें कोई अमेंडमेंट भी होगा ना सर तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा अमेंडमेंट क्यों हुआ ऑटोमेटिकली विल कम टू नो कि अमेंडमेंट क्यों हो रहा है पर वो कब समझ में आएगा और अगर वो टॉपिक या वो कॉन्सेप्ट आपने बहुत डिटेल में और प्रैक्टिकली पढ़ावाया तो प्रैक्टिकल का मतलब केवल न्यूमेरिकल नहीं होता हमारे मालिक प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकल मार्केट सीनियर बेस्ड एग्जाम्पल्स होते हैं कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स होते हैं सो so अगर आपने उसके थ्रू पढ़ा है तो सर डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आएंगे एंड येस यू विल बी इन द फील्ड ऑफ चार्टर अकाउंटेंट क्लियर सो वी ऑल विल एश्योर यू इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन ईच एंड एवरी टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकली समझाया जाए और वो अगर आपने समझ लिया देन डेफिनेटली यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल बेस्ट गाइस थैंक यू सो मच एंड ओवर टू सर ऋषभ सर आज सर हेलो 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 थोड़ा मास्टर बड़ा गुड मॉर्निंग एवरीवन थोड़ा सैड हो यार तुम लोग आई डोंट नो वाई यू शुड बी सुपर एक्साइटेड टू न्यू जर्नी नाउ आई एम श्योर आपको तीनों सर ने ज्यादा ही कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है मेरे हिसाब से यू शुड लुक एट दाइड ऑल्सो यू आर सिटिंग इन द बैटल फील्ड नाउ अकॉर्डिंग टू मी आपका एवरी डे बेसिस पे नया लर्निंग होना चाहिए टेस्टिंग होना चाहिए सम डेज फेलियर भी होना चाहिए लाइक फॉर एग्जाम्पल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट ना कर पाओ गाली खाना चाहिए अपने दिस गोल्ड है मेन ऑब्जेक्टिव शुड भी दैट इवेंचुअली इन द एग्जाम दिन लेफ्ट शुड भी सक्सेस so if you do everything here on a daily basis, that can be the end goal according to me. we have been through that phase. the only way to actually survive in this entire period of eight to ten months, if you actually enjoy the journey. Now for that, you need to have a good set of friends. for that, you need to also like at least some subjects. i'm sure you cannot like all of them that's a human nature right you cannot like all of them but at least few subjects where you should be really inquisitive to learn more and more like at least and i feel this can be my potential career if you do not feel that for any subject it's going to be tough to survive eight to ten months so you have to train your brain in a positive manner that i have to look at the good sides obviously someone is torturing you to sit for ten hours लाइक दम श्योर बट अगर थोड़ा सा अगर आप उस जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर देंगे अच्छे दोस्त बनाएंगे और शायद वो जर्नी अगर थोड़ा ठीक लगेगा तो मे बी एट टू टेन मंथ विल गो अवे एंड देन द न्यू जर्नी विल स्टार्ट दैट इज योर आर्टिकलशिप आई एम श्योर अगर आपने थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया या लिंक इन पर कंटेंट पढ़ा होगा तो आपको लगता होगा सोशल मीडिया पर तो और ज्यादा टच हो यू नो आर्टिकलशिप एज मोर टॉर्चर but actually that is when you start getting into the real world and your real learning starts from there so you you know you should be super excited we have to pass this bridge and go to the next one i hope you guys will enjoy this entire process i'll see you after a few months till then have a good time all the best bye bye guys see you bye bye मेरे हिसाब से आवाज <laughs> हाँ मतलब सबका टोन साइज हेल्थ बड़े बड़े की नहीं चलो जी अब चालू करते अच्छा गुड मॉर्निंग आई दिस इज विजय सारडा और बाकी की बातें आप ओवर द पीरियड ऑफ जर्नी जान जाएंगे एक बात बहुत अच्छे से हम सभी लोगों को समझनी है फाउंडेशन इतना था कितना इतना और इंटर इतना है समझ में आ रहा है इंटर कितना है इतना सो so, एक बात बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से समझना है सिर्फ कमिटमेंट नहीं करना है देखो फाउंडेशन में जो हो गया वो ठीक है भाई तो पहले दिन से पढ़ेगा एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा समझ में आ रहा है ये इतना ज्यादा कंटेंट ओरिएंटेड है कंटेंट के अंदर में बहुत सारा टाइम जाने वाला है यू माइट बी थिंकिंग कि पूरे दिन के अंदर में सबसे ज्यादा टाइम टैक्स को क्यों मिला अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा टाइम किसको अलॉट किया गया टैक्स अब ऐसा क्यों हुआ कुछ तो होगा कंटेंट ज्यादा होगा बहुत सारे प्रोविजन्स होंगे लेकिन एक वादा मैं आज आपसे करता हूं ये वादा मैं डेफिनेटली पूरा करता हूं हर बैच में जिसके कारण हर बच्चे ने आपको यहां पर बैठने के लिए कहा और वो था कि ये आपके दिन का नहीं आपके पूरे सीए इंटर का सबसे बेस्ट लेक्चर होगा ये मेरा कमिटमेंट है आपसे और जिस दिन ये लेक्चर कंप्लीट होगा उस दिन मैं आपसे ये कमिटमेंट जरूर पूछूंगा विथ कंटेंट पूछूंगा तीन चीज़ें हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे पॉइंट नंबर वन बहुत सारा राइटिंग एंड प्रैक्टिस ये एक क्लास का प्रोसेस होगा मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लास का प्रोसेस बता देता जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे पहला राइटिंग day, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक ये होने वाला नहीं है तो पहला हम लोग को लिखना है क्योंकि यू नो मेरे डैड कहते हैं सो बकी और एक लिखी क्या कहते हो वो बकी और एक लिखी कितना भी कर लो जब हम लिखते हैं हम हमारे पर्सनल नोट्स बनाते हैं तब मजा आता है नो यस yes no. yes. दूसरा मोर मोर एंड ऑफ द प्रैक्टिकल इनसाइट इनकम टैक्स इनकम सो वी विल ऑल्सो डिस्कस न्यू सब्जेक्ट तो मैं एक के साथ चलता हूं तुमको कुछ नहीं आता अजम्पशन yeah. बराबर मैं इस के साथ चलता क्योंकि देख मेरे भाई खाली बॉटल में कुछ भरा जा सकता है भरे हुए में कुछ नहीं भरा जा सकता तो लेट्स आपको मतलब 399 भी आए होंगे फाउंडेशन में पर आप जब मेरे साथ बैठ रहे हैं सिर्फ एक एजम्सन के साथ बैठी कि मेरे को कुछ नहीं आता एंड गैदर एज मैनी डाउट एज यू कैन बट हैव जस्ट लिटिल पेशेंस क्योंकि डायरेक्ट एक्सए सब्जेक्ट है मैं आपको बस थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बता देता हूँ ये सब्जेक्ट भयानक इंटरलिंकिंग वाला सब्जेक्ट है मतलब देर विल बी सम देर विल बी सम वर्ड यहां आ जाएंगे लेकिन इसका डिस्कशन आगे होगा लेट मी गिव यू अ वेरी फ्यू लिटिल एग्जाम्पल इलीगल इनकम इलीगल इनकम इसके टैक्सेशन का लू कि मर्डर करके इनकम आया इसका टैक्सेशन क्या होगा नो you know? या बादल बड़सा बिचोर इन्फ्लुएंस <laughs> करके इनकम आया इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट क्या होगा माय फ्रेंड्स पांचवे चैप्टर में डिस्कस करने वाला पॉइंट है अगर मैं आपको इसको पहले चैप्टर में डिस्कस कर दूं तो इंटरलिंकिंग नहीं होगा सो so, दूसरा कमिटमेंट हमारा ये होगा कि हम बहुत सारे वर्ड पहले पढ़ लेंगे हैव लिटिल पेशेंस मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा कोई बात नहीं होगा जो तुम्हारे मन का सॉल्व नहीं होगा पर गैदर एज मेनी डाउट एज यू कैन अब डाउट सर कैसे सॉल्व हो सकते हैं हमारे पॉइंट नंबर वन कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त किसी को भी बीच में डाउट आ गया ईमानदारी से हाथ उठा लेना आई एल कम एंड आई आज क्वेश्चन ये नहीं हुआ लेक्चर का जो एंड का दस मिनट होता है मैं यहां पे हर बार आप सबको पूछता हूं एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट एक बात समझ के रख तू जितना मेरे से कनेक्ट होगा भाई मैं तेरे से उतना कनेक्ट होगा ये सो नो येस नो तू एच आई आई हाई लिख मैं भी लिखूंगा बट यू एक्सपेक्ट कि मैं ही पहले हाई लिखू ये थोड़ा डिफिकल्ट है येस ऑ नो इज्जत मतलब कल ही इतना पावन दिन गया है बसंत पंच बसंत पंचमी बसंत पंचमी कली गया है तो तुमसे इतना थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है यस yes? तो पहला कमिटमेंट सर बहुत सारा राइटिंग बहुत सारा एग्जामिनेशन सॉल्विंग तुम एक क्वेश्चन सॉल्व के जगह तुम बोलोगे सर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं तीन कराएगा ठीक है तो इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज इसके साथ साथ और तीसरा द एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच एक बात समझ लेना अकेले टैक्स के चार मॉड्यूल है तुमको क्या बोला बेटा मैंने टैक्स के चार मॉड्यूल है दो और जीएसटी के दो मॉड्यूल सिर्फ टैक्स का बराबर है बरे -बरे। तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कई ऐसी चीजें होगी जो एग्जाम पॉइंट में आती है और कई ऐसी चीजें होगी जो नहीं आती पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा टाइम लगा के लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चीज के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए yes. तो right? तो, माता को याद करके हमारा स्टडी चालू कर सकते हैं हा या ना यस yes. तो सरस्वती माता की जय एंड अपने अपने मम्मी पापा की जय क्योंकि देखो यार हमने भगवान को तो नहीं देखा बट वन हु क्रिएटर इज द गॉड हा या ना तो क्या मैं कह सकता हूं अपने मम्मी पापा ही अपने शिव पार्वती हुए बराबर है कि नहीं उनके कारण ही हम यहां हैं तो लेट लेटस स्टार्ट लेट लेटस हैव अ फ्यू थिंग डी के लिए आपको फोर पेज का रजिस्टर लगेगा कितने फोर हंड्रेड पेज रजिस्टर लाया है सभी लोगों ने चलो फटक से बाहर निकाल लो रजिस्टर फटक से बाहर निकाल लो तो मैं आपको बता दूं इन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पॉइंट नंबर वन आपको 400 पेज का रजिस्टर लगेगा हैव मल्टी कलर पेन जिसमें से एक ब्लैक होना चाहिए क्योंकि आप सभी को बता दू सी इंटर का जो पेपर लिखा जाता है ये ब्लैक कलर से ही लिखा जाता है सो हैव अ प्रैक्टिस की ब्लैक कलर ही हो शुरुआत से ताकि आपको उस कलर से प्यार हो जाए ठीक है दूसरा हैव अ ब्लू और रेड कलर जो अमेंडमेंट वाले पार्ट होंगे हम वो ब्लू और रेड से करेंगे बिकॉज डायरेक्ट टैक्स इज अब्जेक्ट विद लॉर्ड्स ऑफ अमेंडमेंट तो आप अमेंडमेंट क्या कर सको गैदर कर सको और क्लियरली आइडेंटिफाई कर सको आर यू वेटिंग द पॉइंट तीसरा यू मस्ट हैव अ क्यूट कैलकुलेटर जो आपके फिंगर टिप पे जरूर हो येसन yes हो no? जो आपके फिंगर टिप पे जरूर हो एंड चौथा प्रेजेंस ऑफ माइंड बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन स्किल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास इंटरेक्टिंग रखना ताकि क्या हो एक दूसरे से बात हो सके गलत आंसर हंड्रेड वेलकम है क्योंकि इट इज द देन प्रोसेस कि हम उसको करेक्ट कर पाए समझ में आ रही बात तो बिंदास डाउट पूछो बिंदास सारी चीज करो मैं दो लैंग्वेज में बात कर सकता हूं एक हिंदी एक इंग्लिश बराबर है तीसरी मारवाड़ी और इसके अलावा कुछ है तो मारवाड़ी समझ पूरी सकता हूँ बोलने में, में मेरा थोड़ा कभी कभी इधर उधर हो जाता है राइट पर हाँ समझ सारी सकता हूँ और कोई लैंग्वेज है तो गूगल ट्रांसलेटर है बराबर है कि नहीं राइट कल जिन जिन लोगों का दिल टूटा है याद रखना बदला लेना है समझ आ रही है बात और बदला कैसे होगा सीए की डिग्री के साथ और जो जो फंस चुके हैं इस गेम में को तो कंप्लीट करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं, है, नहीं तो शादी नहीं हो सकती है।, है ना तो चलो लेट स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल विल सर्व सर्व बी लेटेर लेक्टी फोर एज वेल एज 24 दिस इज द पेपर नंबर नंबर ऑफ योर ग्रुप डिसन तो ग्रुप वन अब अगर आप देखेंगे पेपर नंबर थ्री जो होता है आपका वो होता है टैक्सेशन का जो टैक्सेशन है ये दो पार्ट के अंदर में डिवाइडेड है पहला डीटी दूसरा आईडीटी सर सर क्या दोनों पेपर एक साथ लिखने होते हैं नहीं द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग यू नीड इज आपको दो सप्लीमेंट आंसर मिलेंगे एक में डीटी लिखना है एक में जीएसटी लिखना है तो पहला पॉइंट क्या है बेटा पेपर नंबर थ्री का सब्जेक्ट कितने आंसर शीट मिलेंगे दो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट एग्जाम क्योंकि जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो चीज का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है आर यू गेटिंग द पॉइंट यस तो सबसे पहले आपको दो आंसर शीट मिलेंगे वन विल बी फॉर डी वन विल बी फॉर जीएसटी राइट डी टी मार्क्स के लिए है फिफ्टी मार्क्स के लिए है सर अगर मैंने DT का DT में डाल दिया आई का DT में डाल दिया तो गलत जगह डालोगे तो क्या होना है <laughs> अरे आई मीन टू से मार्क्स मिलेंगे क्या हा हाँ? आंसर इज नहीं मार्क्स मिलने वाले नहीं है तो आपको गलत जगह इनपुट डालना ही नहीं है या आईडीटी का अगर दैट मैटर डीटी में, लिख के आते, हैं matter, में लिख कर के आते हैं तो आपको अवार्ड नहीं होने वाला और कई बच्चों से अलग जीएसटी का अलग सर पहले क्या सॉल्व करना जो ईजी हो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है राइट फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स करके आपके कितने मार्क्स का पेपर बनता है बेटा हंड्रेड अब यह हंड्रेड मार्क्स के पेपर का डिविजन समझिए अंडर द न्यू सिलेबस इन एवरी सब्जेक्ट थर्टी परसेंट विल बी द एमसीक्यू मतलब हंड्रेड में से थर्टी मार्क्स क्या है एमसीक्यू और रेस्ट मार्क्स आने वाला है के आने वाला है डिस्क्रिप्टिव बराबर अगर 30 तेरा एमसीक्यू और पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड है क्या मैं कह सकता हूं डीटी के एमसीक्यू पंद्रह मार्क एंड जीएसटी के एमसीक्यू पंद्रह मार्क डू यू अग्री आर यू वेटिंग से क्लियर डिवीजन सब लोग रिवाइज करो कितने आंसर शीट मिलेंगे दो डीटी बराबर है इधर का उधर लिख सकते नहीं पेपर कौन से कलर से लिखने का है yeah. ब्लैक से लिखने का है तीसरी चीज 100 मार्क का पेपर 50 50 में डिवाइडेड है इसमें से 30 क्या आने वाला है एमसीक्यू क्यू बचावा 70 डिस्क्रिप्टिव जो 30 एमसीक्यू आएगा फिर वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बोलो कितना 15 विल बी डी एंड 15 विल बी जी सर ये वो एमसीक्यू वो वो फाउंडेशन में आते थे वैसे आएंगे नहीं ये प्योरली स्किल बेस्ड एमसीक्यू होंगे मतलब इफ यू आर क्लियर विद लॉ तो तुम्हारे वो एमसीक्यू जमेंगे यहां पे वैसे एमसीक्यू नहीं आते थे जैसे आपको इकोनॉमिक्स में आया करते थे सिंपली टू द पॉइंट नहीं पूरा घुमा करके आया जाता है तो अनलेस एंड एनटिल यू आर क्लियर विथ योर बेसिक्स यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द एमसीक्यू सो ड्यूरिंग द लेक्चर हमें हर जगह पे ये याद रखना होगा कि कौन सी चीज एमसीक्यू को हिट कर सकती है आर यू गेटिंग द पॉइंट कौन सी वो चीज है जो एमसीक्यू को क्या कर सकती है हिट राइट सर एमसीक्यू है तो क्या निगेटिव मार्किंग भी है पहले भाई पूरा समझ ले डोंट बी इन रश चलो सब्जेक्ट स्टार्ट करते नहीं हमें कोई जल्दी नहीं है मैं पुणे में रहता हूं बाहर से नहीं आता <laughs> समझ में आए बात तो हमें कोई जल्दी नहीं है पहले पूरा कंसेप्ट समझो जिस चीज से लड़ना है वो समझो क्या निगेटिव मार्किंग है एमसीक्यू में द आंसर इज नो पर अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते तो वो आपके लिए निगेटिव ही है ये yes? तो चलो रजिस्टर में गिव द हेडिंग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स

आप थोड़ा सा सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे यहां से चालू करो गिव द बेसिक ऑफ इनकम टैक्स हेडिंग बेसिक ऑफ इनकम टैक्स ठीक है गिव द फर्स्ट हेडिंग पेपर थ्री ऑफ ग्रुप वन पेपर थ्री ऑफ ग्रुप वन पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए एंड पार्ट बी बराबर है चलो बोलो मेरे बच्चा पार्ट ए के अंदर में क्या कवर हो रहा है डायरेक्ट टैक्स पार्ट बी के अंदर में क्या कवर हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स क्लियर कट लिखो बहुत अच्छे से लिखो इन टोटो 100 मार्क्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट 30 फॉर एमसीक्यू एंड 70 फॉर डिस्क्रिप्टिव सो फिफ्टीन मार्क्स फॉर डी टी एंड फिफ्टीन मार्क्स फॉर आई डी टी देर इज नो निगेटिव मार्किंग यहां तक के सबने लिख दिया राइट right? अब अंडरस्टैंड कीजिए कितने मॉड्यूल है व्हेन इट कम्स टू डीटी जीएसटी का आपको यशवंत मंगल सर बता देंगे अब मैं आता हूँ डी के एस्पेक्ट्स के ऊपर माय एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर सर डी के अंदर में कितने मॉड्यूल है सर डीटी के अंदर में दो मॉड्यूल है कितने मॉड्यूल है दो अभी मैं आपको मॉड्यूल भी दिखाता हूँ राइट जो इंस्टीट्यूट देता है वो दो मॉड्यूल है एंड वेन इट कम्स टू सी एक मॉड्यूल है राइट right? अब अगर मैं बात करूं डी की इस दो मॉड्यूल के अंदर में कितने चैप्टर है नाइन कितने चैप्टर पढ़ने हैं नाइन मतलब फॉर फिफ्टी मार्क्स यू हैव टू लर्न नाइन चैप्टर सॉरी माई फ्रेंड्स यू हैव टू लर्न सेवनटीन चैप्टर्स सर नाइन चैप्टर मॉड्यूल के हिसाब से लेकिन मॉड्यूल ने क्या किया है एक मस्त गेम किया है तुम्हारे साथ पूछो क्या yeah. अब पूछो ना क्या yeah. पांच हेड को एक चैप्टर बना दिया तो जो पांच अलग अलग चैप्टर है उसको एक चैप्टर के अंदर में दिखाया इसलिए डिफरेंस आ रहा है तो मॉड्यूल के हिसाब से यू आर लर्निंग नाइन चैप्टर बट एक्चुअली देर आर सेवनटीन चैप्टर इन डायरेक्ट एक्सेस जस्ट फॉर फिफ्टीन मार्क्स ये सिर्फ डी का है के अलग आर यू गेटिंग द पॉइंट तो आपको दो मॉड्यूल मिलेंगे मैं भी मॉड्यूल का डिवीजन भी बताता हूं मॉड्यूल के हिसाब से कितने है? हम कितने चैप्टर हम करेंगे आर यू गेटिंग द पॉइंट सर तो ये कैसे करेंगे कौन सी बुक से करेंगे पहले ये भी समझ लेते हैं आपको इस क्लास के दौरान मेनली चार बुक मिलने वाले हैं सिर्फ डी के इसमें पहला होगा रेगुलर बुक पहला कौन सा होगा रेगुलर बुक जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट बुक कंप्लीटली फोल करल बुक बना के रखा है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस के साथ सारी चीजें और उसके अंदर में पूरा कंटेंट एज पर न्यू सिलेबस क्या किया गया है कवर किया गया है बराबर है हर पहले एक बार बुक बुक सारी चीजें समझ लो पूरा कंटेंट कवर होने के बाद एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको क्या कवर किए गए हैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर किए गए तो यहाँ पे आर टीपीपी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन न्यू मॉड्यूल क्वेश्चन सारे का सारों का बेस्ट वर्जन यहाँ पे ला करके रखा है तो द फर्स्ट थिंग वी वुड बी डूइंग इज बोलो बेटा रेगुलर बुक ये वो बुक है जो आपको क्लास में रोज कैरी करना है येस ऑन नो दूसरी चीज है क्वेश्चन बैंक हम सबको पता है प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट येस ऑन नो राइट तो इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज दूंगा वो होगा क्वेश्चन एयर दैट इज क्वेश्चन बैंक इस क्वेश्चन बैंक में किस तरह के से सारी चीजें कवर है प्लीज ध्यान से समझिएगा जैसे आप क्वेश्चन बैंक चालू करोगे सबसे पहले कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम कुछ पॉइंट भूल जाते और फिर दूसरा बुक खोल वापस उस रजिस्टर में ढूंढते बैठ आपको ये करना ही नहीं है क्वेश्चन बैंक का स्टार्टिंग ही आपको पूरा

तो पहला बुक क्या मिला रेगुलर बुक दूसरा बुक क्या है क्वेश्चन बैंक आपको जो होमवर्क दूंगा वो कुछ रेगुलर बुक से दूंगा और कुछ क्वेश्चन बैंक से दूंगा समझ में आई बात अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ प्रैक्टिकली स्पीकिंग एग्जाम से एक दिन पहले ये दो बुक पढ़ के हो सकता है क्या नहीं ओनली इन इंडिया डीटी चार्ट्स 37 पेजेस पूरा 50 मार्क्स कवर है 37 पेजेस में आप देखेंगे पूरा फिफ्टी मार्क्स कवर्ड है और हर जगह पे जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां पे कैरिकेचर डाल के के लिख रखा है इंपॉर्टेंट है है समझ में आ रहा कैरिकेचर डाल के के लिख रखा है है कि ये क्या है बेटा इंपॉर्टेंट है तो वो देखोगे आप जो चीज ध्यान से सुनो एक अच्छी चीज दिखाऊं बोलो ना हा ये है आपका मॉड्यूल इंस्टीट्यूट द्वारा जनहित में जारी आपके हिसाब से पहला चैप्टर कितने पेजेस का होता है पचास एक नौ पेज, का पहला। सर क्या आप हमारी हां जो आप समझे वो सही है 109 पेज का मॉड्यूल है इस 109 पेज को हमने हमारे बुक्स में क्रग्स करके 40 पेजेस पिलाया है और चार्ट्स के अंदर में तीन पेज पिला के खत्म किया है तो एग्जाम में बस ये तीन पेज पढ़ो काम खत्म ये 109 पेज का मॉड्यूल है आपका इसको इंटर के बुक में आप देखिए तीन पेज पे ला करके खत्म कर दिया एवरीथिंग अब हमारा अप्रोच क्या होगा हम सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद जहां जहां कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस करेंगे और कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे ये सारी चीज खत्म होने के बाद हम एक बार चार्ट रिविजन करेंगे एंड बेस्ट पार्ट इज ऑडियो रिविजन अभी ऑडियो रिविजन क्या होता है जैसी कोई भी टॉपिक खत्म होगा मैं आपको बोलूंगा कि आपके मोबाइल में तुरंत इसको क्या करो रिकॉर्ड करो कुछ जो फाउंडेशन मेट से पढ़े उनको पता ही है क्या है और क्यों ये हेल्पफुल है राइट और जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं आपने सिर्फ मोबाइल का ऑन रखना तो आज का एक और होमवर्क है आपके मोबाइल से जितने रामायण महाभारत के वीडियो है और आपको पसंद नहीं है कोई पर्टिकुलर एपिसोड तो प्लीज उसे डिलीट कर दीजिए ताकि आपके ऑडियो रिविजन के लिए जगह बच जाए सो so, कॉन्सेप्ट में क्या होगा सबसे पहले कॉन्सेप्ट होगा जहां जहां कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन है वो होगा उसके बाद क्या होगा होमवर्क में आपको क्वेश्चन बैंक प्लस रेगुलर बुक के कुछ चीजें मिलेगी फिर चार्टर रिविजन आएगा और फिर क्या आएगा ऑडियो रिविजन पूरा बैच कंप्लीट तो होने के बाद भी उसके बाद आपका मैराथन एंड रिविजन लेक्चर होगा दिस इज हाउ डी विल फ्लो टिल एग्जामिनेशन क्लियर है मालिक चलो तो मालिक कितनी बुक मिलने वाली है जल्दी से बताओ पहला कौन सा बुक मिलेगा रेगुलर बुक दूसरा क्या मिलेगा क्वेश्चन बैंक तीसरा क्या मिलेगा Charts. ये फिजिकल आपको मिलेंगे you know, क्लियर तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं भी ले सकते क्योंकि एमसीक्यू ऐसी है, जो जितना हम कंपाइल कर पाए उतना है लेकिन एमसीक्यू कभी भी इंटर एंड फाइनल लेवल पे ऐसे नहीं आते नो आपको जो एमसीक्यू दिए बुक में वही आएंगे इंटर और फाइनल ऐसा नहीं होता गेटिंग द पॉइंट तो चलिए 50 मार्क्स में डीटी के नीचे थोड़ा सा एरो कीजिए लिखिए नंबर ऑफ चैप्टर्स एज पर मॉड्यूल नाइन चैप्टर डिवाइडेड इन टू मॉड्यूल्स इन क्लास वी विल डू 17 चैप्टर्स कौन सी बुक मिलेगी मालिक तीन रेगुलर बुक क्वेश्चन बैंक चार्ट बुक एनएमसी क्यू विन पी डी एफ सब लिख के रखने का डेनेसेट कुछ और चीजें मैं आप सभी लोगों को बता दू जितने बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन के अंदर में हैं। अभी जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा देखो क्या होगा थोड़ा सा प्लानिंग कर लेते हैं आपका बीकॉम एग्जाम बीच में आएगा यस यस ऐसा हो सकता है घर में किसी फंक्शन में जाना पड़े या बुखार आ जाए फॉर दैट मैटर तो जैसे ही आप जितने बच्चे फेस टू फेस बैठे हैं हम लोग आपको कुछ दिन बाद क्या करेंगे बता देंगे कि आपको आपका, आपका

थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ करके आप मेल कर दो यू विल गेट द रिप्लाई रिप्लाईन एट आवर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन आप रात में पढ़ रहे हो डाउट डाउट आया आप मेल करके रख दो आपको आ जाएगा नहीं तो अगले दिन तो मैं हुई ही. Yes no? तो मैं ही जस्ट इसका screenshot या नंबर्स आप लिख करके रख दीजिए ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगा तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज का नंबर टेक्निकल सपोर्ट नंबर पर है दूसरा सेल्स क्वेरी नंबर है इसका फोटो खींच लोगे तो भी चलेगा और सब्जेक्ट में किसी प्रकार का क्वेरी है आस्क वीजे सर एट द और एकत्वम के किसी भी फैकल्टी का ईमेल ऐसा ही है आस्क डी के आस्क डी के सर एट द आस्क आर सर एट द पर्सनल बातें इस पे ना करें ठीक है तो बस सर के इनिशियल्स ढूंढ लीजिए यही उनका आस्क वीजे सर एट द सब्जेक्ट की कोई भी क्वेरी यहाँ पे कवर हो जाएगी इज दैट डन अब आते हैं थोड़े से और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पे सर आपने कहा मॉड्यूल इज डिवाइडेड इन टू सही है पार्टी अब आपको पहले मॉड्यूल भी समझा देता हूं मॉड्यूल का डिविजन भी समझा देता हूं ठीक है ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको बहुत लोगों को आदत होती है मॉड्यूल से पढ़ने की और क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए फर्स्ट डे पे ही कि मैं अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो उसका पूरा जीरो से एनालिसिस मेरे को पता होना चाहिए yes no? कितने मॉड्यूल है बेटा दो इसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया है पांच बात समझना राइट पहले पूरे ध्यान से सुन लो और ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी आपको बता रहा हूं कौन से टॉपिक के लिए कितना वेट आने वाला है मॉड्यूल वन में आपके दो सेक्शन दिए हैं सेक्शन वन में दो चैप्टर है पहला है बेसिक दूसरा है आर है. है एस ये दोनों मिला के एग्जाम में दस से बीस परसेंट का वेटेज रखते हैं कितने परसेंट दस से बीस परसेंट का वेटेज रखते हैं फिर आता है हेड्स ऑफ इनकम ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्रूशल पार्ट है जो पच्चीस से तीस परसेंट का वेटेज रखता है सर एक मिनट मैं वेटेज क्यों पढ़ा रहा हूं सिंपल है बॉस ज्यादा मार्क्स जहां आएंगे वहां पर मेहनत ज्यादा करनी है सिंपल है या नहीं है जो क्लाइंट ज्यादा फीस दे उसको सर्विस देने का यस सोनो हेड्स ऑफ इनकम 25 से 30 मार्क का वेटेज रखते हैं फिर तीसरा सेक्शन आता है जिसमें क्लबिंग सेट ऑफ और डिडक्शन नाम का चैप्टर आता है इसमें पंद्रह से बीस मार्क का वेटेज होता है सेक्शन फोर आता है एडवांस टैक्स टी डी एस आर ओ आई जिसमें पंद्रह से बीस मार्क का वेटेज आता है और लास्ट में आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जिसमें बीस से पच्चीस मार्क का वेटेज आता है वेट अ मोमेंट क्या सर ये आपने मन से बनाया है बिल्कुल नहीं ये खुद आपका इंस्टीट्यूट देता है अंडरस्टैंड दिस आप जब आई सी ए आई के वेबसाइट पर जाएंगे इसमें न्यू सिलेबस के अंदर में जाना है प्लीज ध्यान से सुनिए लिखाऊंगा आपको सब न्यू सिलेबस के अंदर में हर सब्जेक्ट का वेटेज आपको दिया है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर रैंक्स प्लीज अंडरस्टैंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट यू मस्ट नो कौन से सब्जेक्ट के कितने में कितना वेटेज आता है अ प्योर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच गेटिंग द पॉइंट अगर आप देखेंगे आईसीआई के वेबसाइट पे जाना न्यू सिलेबस में जाना न्यू सिलेबस में सेक्शन वाइज वेटेज दिया है ये देखो सबसे पहले आपको एडवांस अकाउंट्स का दिया हुआ है आप नीचे जाओगे फिर आपको कॉर्पोरेट लॉ का दिया है थोड़ा सा उसके नीचे जाना आपको टैक्सेशन का दिया हुआ है ये देखो बेसिक कंसेप्ट रेसिडेंशियल स्टेटस 10 से 20 मार्क हेड्स ऑफ इनकम 25 से 30 मार्क उसके बाद में क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन 15 से 20 मार्क एडवांस टैक्स टीडीएस रिटर्न प्रोविजन 15 से 20 मार्क कंप्यूटेशन कितना 20 से 25 मार्क तो ये यहाँ से लिया गया है आर यू गेटिंग द पॉइंट यस फर्दर आपका मॉड्यूल किस तरीके से डिवाइडेड है ये भी ये देखिए ये आपका मॉड्यूल है पेपर थ्री राइट इधर आ जाओ जैसे ही आप नीचे जाओगे आपका मॉड्यूल कितने पार्ट में डिवाइडेड है मॉड्यूल दो पार्ट में जिसके अंदर में कितने सेक्शन है पांच समझ में आया पूरा क्लियर डिवीजन पर आप ये दो अलग अलग बुक से पढ़ोगे उससे अच्छा यहीं पे लिख दो समझ में आया यही चीज आपको हेल्प करेगी सीधे सीधे कंपाइलेशन पे अब जो पहला पेज आपने छोड़ा हुआ है ना वहां पर ये लिखो डिविजन ऑफ मॉड्यूल एंड मार्क्स जो पहला पेज आपने छोड़ा है वहां पे ये लिखो डिविजन ऑफ योर मॉड्यूल एंड मार्क्स ताकि आपको क्लियर पता रहे मैं क्या पढ़ रहा हूं डिविजन ऑफ मॉड्यूल एंड मार्क्स मॉड्यूल वन सेक्शन वन, मॉड्यूल वन सेक्शन वन बेसिक एन आर एस डोंट गो विथ इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका मीनिंग क्या है अभी का वो पार्ट नहीं है अपने को बहुत जीरो से जाने का है वेटेज टेन टू ट्वेंटी परसेंट देन सेक्शन टू हेड्स ऑफ इनकम ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट सर ऐसा फाउंडेशन में भी पता होता तो कितना अच्छा होता ना आता है क्या मन में ऐसा कुछ कि पहले पता होता तो कितना अच्छा होता फाउंडेशन में आदमी इतना सोचता नहीं इंटर में आपको बहुत अलग अप्रोच से जाना पड़ेगा द सेम अप्रोच विच यू हैव अडोप्टेड इन फाउंडेशन के नॉट बी यूज फॉर इंटर यहां आपको बहुत क्लियर क्रिस्प और कंटेंट पे रहना है सेक्शन क्लबिंग सेट इस पॉइंट पे आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है 15 to 20 percent, अडवांस टैक्स ऑब्लिक टीडीएस एडवांस टैक्स ऑब्लिक टीडीएस नीचे आर ओ आई रिटर्न ऑफ इनकम आर ओ आई फिफ्टीन टू ट्वेंटी लास्ट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एंड लास्ट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ट्वेंटी टू 25 फाइव परसेंट डन है बच्चे ये हो गया क्लियर कट आपका मॉड्यूल क्या है आपकी एग्जाम किस तरीके से होगी बस दो मिनट में फटफट रिवाइज करता हूं आर यू देर विथ मी येस कितने मॉड्यूल आने वाले हैं एग्जाम में कितने पे आंसर शीट मिलेंगे कौन से पे कलर से आंसर लिखना है पक्की बात है सिर्फ डीटी का पेपर ब्लैक से लिखना है कि पूरा ही ब्लैक से लिखना है क्लियर है अच्छा जी डीटी कितने मार्क्स का जीएसटी कितने मार्क्स का एमसीक्यू इसमें से कितने आएंगे हंड्रेड में से थर्टी परसेंट मतलब थर्टी मार्क्स बचा हुआ डिस्क्रिप्टिव कितना होगा सेवेंटी ये क्लियर है यहाँ तक के सब कुछ चलो अब यहाँ से बढ़ते हैं क्लियर सब्जेक्ट की ओर सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट वापस आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर लेट अस स्टार्ट विथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बिलीव मी अगले चार दिन तुम सिर्फ इस चार वर्ड पे रहोगे सिर्फ चार ही वर्ड तुमको अगले चार दिन पढ़ने हैं एक एक वर्ड को तोड़ना पड़ेगा और एक हर वर्ड में इतना मीनिंग है कि आपको मजा आ जाएगा आप बोलोगे कसम क्या पढ़ाया है कितने वर्ड बोलो मेरे साथ एक बार हाँ धीरे 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 कहा जाना है पहला इनकम फिर दूसरा टैक्स तीसरा एक्ट चौथा 1961 सिक्सटी वन चार वर्ड दिख रहा है आपको एक एक वर्ड को बड़े ईमानदारी से तोड़ना पड़ेगा एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा लेकिन आपको तो पता है जीवन में पहली बार आप इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं से यस तो आपको तो जीरो से चालू करना चाहिए बहुत बहुत बेसिक से एवरेज सर ये सब्जेक्ट आया ही क्यों इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है भाई किसी ने तो सोचा होगा ऐसा कुछ होना चाहिए हाँ या हा हा हाँ। तो बात उन दिनों की है बात जब चाणक्य जी हुआ करते थे आपको पता है चाणक्य जी राइट तो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा बनाया उन्होंने ही टैक्सेशन सिस्टम को लॉन्च किया तो एक दिन चाणक्य जी ठीक है अच्छा थोड़ा है ना आ, आप लोग इंटरेक्ट करते रहना नहीं तो मैं थोड़ा सा पागल सा टीचर हूँ मैं किसी भी चीज़ से बात कर लेता हूँ हाँ मतलब जहाँ आपने नहीं किया मैं किसी भी चीज़ से बात कर लूँगा तो एक दिन चाणक्य जी इमेजिन राजा जी बैठे हुए हैं और ये लेक्चर में होता रहता है जिनको नहीं पता है तो ऐसा कोई भी आ जाता है ऐसा मत समझना टीचर में आत्मा आई समझना ठीक है क्योंकि एक इंट्रैक्शन बहुत जरूरी होता है तो ये एक मोनोलॉग बोलता है इसको ठीक है तो एक दिन राणा राजा यू नो चाणक्य जी राजा जी के पास गए राजा जी कैसे कहा राजा जी हम लोग कर कर लगाते हैं टैक्सेस को हिंदी में कर कहा जाता है बराबर है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर मतलब ठीक है तो उन्होंने कहा राजा जी हम कर लगाते हैं राजा जी मतलब इमेजिन क्या सिचुएशन हुई होगी कभी किसी ने ऐसा वर्ड सुना ही नहीं और हम अचानक से ऐसा कुछ करते हैं राइट देखिए हम लोग लोगों से पैसा कलेक्ट करेंगे और उन्हीं के लिए यूज करेंगे पहले लेने का और फिर देने का तो लेना ही क्यों है मतलब आप सोच के देखो ना नहीं देखिए जिस तरह सूर्य धरती से पानी खींचता है और बाद में बरसात के रूप में वापस दे देता है हम उसी तरीके से लोगों से कर वसूलेंगे और इस कर को उन्हीं की सुविधाओं के लिए यूज करेंगे द बेसिक वाई टैक्सेस इज कलेक्टेड हम लोगों से क्या करेंगे जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ वी विल कलेक्ट द टैक्स एंड गिव इट बैक एज रेन पर चाणक्य जी मेरे को एक बात बताइए हम ये लेंगे और दूसरों को सर्विसेज बोल के देंगे हम तो वैसे भी दे ही रहे हैं ना राजा जी यही तो डिफरेंस है आज जो आप दे रहे हैं वो अपने खजानों से दे रहे हैं यहां आप लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं इससे लोगों को इसकी कीमत भी रहेगी और दूसरा आपका जो रिजर्व है ये कभी भी कम होने वाला नहीं है सो व्हाई टैक्सेस आर देयर व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय अ टैक्स टैक्स ज एक्चुअली ए चार्ज विच इज कलेक्टेड आउट ऑफ यू एंड अगेन गिवन बैक टू यू इन दर्विज बचपन से आपने क्या यूज की सड़कें यूज की राइट right? कभी किसी ने आ करके बोला आपको इसका टैक्स आपको you know, यू नो ये सड़क यहां बन रही है इसके पैसे आपने तो दिए ही नहीं पर सोचिए ये आ रहा है टैक्सेस आज पुणे में मुंबई में दिल्ली में मेट्रो तो चल रही है पैसा कहां से आ रहा है टैक्सेस इतने सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है अलग अलग हाईवे रेलवे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं पैसा कहां से आ रहा है टैक्सेस टैक्सेस आर्मी पुलिस पर्सनल इनकम टैक्स ऑफिसर्स ऑफिसर्स इनके को सैलरी जा रही है है पैसा कहां से आ रहा है? तो आपको जितनी भी सुविधाएं मिल रही है जैसे आपके घर के घर में पानी आ रहा है राइट आपके घर तक के इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है आपके आसपास में साफ सफाई होती है रोज सुबह आके एक व्यक्ति आपके घर से कचरा उठा करके लेके जा रहा है इन सबको आप किस फॉर्म में पे कर रहे हो

इन द ईयर 1860 इन द ईयर 1860 वर्ल्ड वॉर टू चालू था क्या चालू था बेटा वर्ल्ड वॉर टू जब वर्ल्ड वॉर टू चालू था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा लग रहा था इसको इन्होंने डिसाइड किया कि अंग्रेज लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं भारतीय लोगों पर क्या लगाते हैं टैक्सेस इनिशियली इनकम टैक्स पांच साल के लिए टेम्पररी बेसिस पे लॉन्च किया गया किस बेसिस पे

पर अब टैक्स को लॉन्च करने का जरूरत क्यों था स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता सेनानी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे इन्होंने बोला भैया इन लोगों को दूसरे तरीके से मोड़ते हैं इन पे क्या लगाते हैं टैक्सेस लगान लगाया जाता है क्या लगाया जाता है लगान इनसे टैक्स लगाते हैं तो ये लोग क्या कर लेंगे पीछे हट जाएंगे और नहीं भी पीछे हटे तो इनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है इनके जेल के ऊपर जो खर्चा हो रहा है इनकी पुलिस लगाने पर जो खर्चा हो रहा है वो यही देंगे और इन पर ही लगा देंगे पर अगेन यहां पे टेम्पररी बेसिस पे लॉन्च किया गया फिर ईयर आया 1922 फिर कौन सा ईयर आया बोले जल्दी से 1922 पहली बार अब उन्होंने फुल फ्लेज बेसिस पे इनकम टैक्स लगाया तो जब आप बेर एक्ट पढ़ेंगे या फर्स्ट टाइम एक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा द इनकम टैक्स एक्ट बना पहली बार परमानेंट बेसिस पे इसके पहले जितने भी बार बने थे इनकम टैक्स लगाए गए थे वो कैसे बेसिस पे थे टेम्पररी फाइव इयर्स टू इयर्स थ्री इयर्स के लिए लगाए गए थे लेकिन अब परमानेंसी के साथ लाया गया फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द ईयर टू बराबर है 1922 में टैक्स लगाया गया क्यों क्योंकि अब 1922 तक के स्वतंत्रता सेनानी जो थे ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और इनका जो खर्चा था इनके ऊपर होने वाले जो स्पेंडिंग्स थे ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे टैक्सेस लगाने शुरू किए फिर आजादी का समय आया इन द ईयर 1947 और 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हो गया तो अब इंडिपेंडेंट इंडिया को अपना खुद का एक एक्ट चाहिए था क्योंकि इसके पहले 1922 में जितना भी एक्ट में था वहां हर जगह ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड यूज था बट डोंट यू थिंक अब हमें इंडिया का भारत का अपना एक एक्ट चाहिए था तो 1947 के बाद जो एक्ट 1922 में बना था उसे रिप्लेस किया गया और क्या लाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो ये है कोर बेसिक्स हम यहाँ तक कैसे पहुँचे तो चलो शुरुआत से सबसे पहले क्या आया चाणक्य जी आए राइट right? उन्होंने टैक्सेस की शुरुआत करी किसकी शुरुआत करी कर की शुरुआत करी राजा जी के साथ बराबर है पहली बार इनकम टैक्स इंडिया में कौन से साल में आया 1860 हु इज द फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया सर जेम्स विल्सन फुल बेसिस पे लाया था या टेंपरेरी बेसिस पे टेंपरेरी बेसिस फिर सेकंड टाइम कब लॉन्च किया गया 1886 के अंदर में अगेन किस बेसिस पे टेंपरेरी बेसिस पहली बार परमानेंसी के साथ एक्ट बना इन द ईयर 1922 फिर इंडिपेंडेंस आया और इंडिपेंडेंट इंडिया का अपना एक एक्ट बना कौन सा इनकम टैक्स एक्ट 1961 और रूल्स लेके आए 1962 रूल्स लेके आए इन द ईयर 1962 यहां तक के क्लियर है सो गिव द हेडिंग हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स जीरो से चालू करेंगे एकदम किसी को जल्दी तो नहीं है ना भाई हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पहला फादर ऑफ इनकम टैक्स फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया ग्लुकॉन सर जेम्स विल्सन सर जेम्स विल्सन ये लाइन बड़ी के एमसीक्यू बनेगी बताइए फर्स्ट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में आया था बोलो 1922 इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज चेंज इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन इनकम टैक्स रूल्स नाइनटीन सिक्सटी टू तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इस एक्ट को चेंज कर दिया गया 1961-1962 एक्ट आया 1961 में रूल्स आया 1962 में अब आप ये पूछेंगे सर एक्ट 1961 में रूल्स 1962 में ऐसा क्यों पूछो ना ऐसा क्यों ये कल समझाऊंगा आज एक सवाल मैं आपके मन में छोड़ रहा हूं एक्ट आया 1961 और रूल्स आया नाइनटीन सिक्सटी मैंने क्या बोला डीटी में सिर्फ एक चीज रखने का क्या पेशेंस कई बात ऐसी होती है जो पढ़ोगे अभी पर समझेगा एक या दो दिन बाद जब आप उस कंसेप्ट को बिल्ड कर लोगे तो इंटरलिंकिंग इज द मेन थिंग जो हम क्लास में करेंगे ठीक है तो आज एक सवाल आप सभी के मन में छोड़ रहा हूं एक्ट आया कौन से ईयर में 1961 रूल्स आया कौन से ईयर में 1962 और एक और सवाल हमारे मन में आता है आपको तो पता है हम लोग तो बहुत एवरेज बच्चे है. हमें कुछ आता है क्या हमारा जमशन याद है ना हमें कुछ आता है क्या नहीं तो हमारे को तो पहले यह समझना पड़ेगा वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स तो समझ में आएगा एक्ट आएंगे डिफरेंट ईयर वाई देर वॉज इन डिफरेंट ईयर ऐसा क्योंकि जनरली तो ऐसा होता है जिस साल में एक्ट आता है आइडियली रूल्स भी उसी साल में आना चाहिए पर यहां पे ऐसा नहीं हो रहा पर क्यों नहीं हो रहा दया कुछ तो देखेंगे तो एक सवाल आपके मन में आज मैं छोड़ रहा हूं सवाल का जवाब भी मैं ही दूंगा बस कल दूंगा सवाल याद रखना ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे सर एक्ट तो आ गया पर क्या एक्ट में सिर्फ एक्ट पढ़ना है और भी कुछ पढ़ना है मतलब जनरली सर देखो कैसा होता है लॉ में मैं सिर्फ लॉ पढ़ता हूं क्या इनकम टैक्स में भी मेरे को सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है इस चीज को समझने के लिए आपको समझना है कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कंपोनंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सर थोड़ा हिंदी में मतलब समझा दीजिए कंपोनेंट मतलब क्या होता है मतलब इनकम टैक्स के साथ क्या क्या पढ़ना है फिर भी लिख लो मतलब इनकम टैक्स एक्ट के साथ क्या क्या पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहली चीज क्या पढ़ना है बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 पहली चीज जो इनकम टैक्स में आपको पढ़नी है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब आए हैं तो चीजें दूर तक जाएगी yes. से यस भैया जिससे लड़ना है उसके बारे में पता तो कर ले आपके हिसाब से कितने सेक्शन होंगे इस इनकम टैक्स लॉ यस सो वी आर रीडिंग अ लॉ अब मुझे बताइए कितने सेक्शन होंगे आपके हिसाब से रफली हां जी कितने जल्दी बोलो 298 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बट बिलीव मी दिस इज नॉट 298 पूछो क्यों एक दिन मैं फर्स्ट डेट हो गया इस सब्जेक्ट से मैंने बोला साले कितने सेक्शन है सर 758 सेक्शन है सर कैसी बातें कर रहे हो 298 बोल रहे हो और 758 बता रहे हो हाँ खुद इनकम टैक्स वालों ने इसमें गड़बड़ कर रखी है पूछो कैसे अगर हम नंबर्स देखें तो उन्होंने नंबर्स में लिखा है 80 काउंट क्या किया जाएगा 80 मैथ्स के हिसाब से काउंट करते वक्त वो 80 है लेकिन इनकम टैक्स में एट्टी ए एट्टी बी एट्टी सी एटी डी एटी ई एटी ई एटी ई एटी एम ऐसे बहुत सारे छब्बीस सेक्शन है काउंट करते वक्त इसे क्या काउंट किया जाता है एटी तो कितने सेक्शन है टू नाइनटी एट सर क्या मुझे सारे टू नाइनटी एट पढ़ना है सौ डेढ़ सौ यहां पर बचे हुए फाइनल में तीन बातें क्लियर कर दू पॉइंट नंबर वन क्या सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी है नहीं नहीं डीटी में नहीं पॉसिबल ही नहीं है याद हो जाएंगे या अलग है ये मेरा ये मेरे पे छोड़ दो पर क्या तुम्हें एग्जाम में कोट करना है पहले क्लियर कर दो डी एक सेक्शन नंबर कोट करने की जरूरत नहीं होती वेन इट कम्स टू डी नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ डीटी में यह करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इतने सारी चीजें है कि आप ये नहीं कर सकते तो बिल्कुल फुटाइल एक्टिविटी है ये करना ही मत बराबर है तो चलो अनादर एमसी क्यू कमिंग टू यू देर आर बोलो बेटा टू नाइनटी एट सेक्शन एक्चुअल 758 जाएगा पर एमसीक्यू का आंसर टू नाइनटी ही होना चाहिए एक्ट सर कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है क्योंकि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो वो चैप्टर्स में डिवाइडेड होती है देर आर ट्वेंटी थ्री चैप्टर्स अच्छा जी सर देर आर फोर्टीन शेड्यूल्स इसमें चौदह शेड्यूल है शेड्यूल क्या होता है रुक जाइए आज डिस्कस करेंगे तो भैया ये जो इनकम टैक्स एक्ट है इसके अंदर में टू नाइन एट सेक्शन है 23 14 schedules. Schedules क्या होते हैं हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे बराबर है अच्छा अब आपको तो पता है जब भी हम कोई एक्ट चालू करते हैं पहला सवाल यही होता है इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ एक्सेप्ट अरे वो आर्टिकल हट गया ना आर्टिकल कौन सा था इनकम टैक्स हमेशा से ही होल पे है। It has nothing to do with आर्टिकल 370। क्यों जम्मू कश्मीर के लोग इनकम नहीं कमाते क्या है ना ऐसा होता तो सब कुछ सभी लोग वहां जाते ना इनकम टैक्स देना पड़ता और मजे होते वो अलग अरे आई मीन टू से वादियां दिखती ना अच्छी हरी भरी वादियां मतलब यू नो आदमी खुश रहता अच्छा लगता उसको

डेट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया पर आपको तो पता है सर मैं बहुत ही नया बच्चा हूं पहली बार धरती पर टैक्स पढ़ रहा हूं मेरे को तो जीरो से पढ़ना है होल ऑफ इंडिया इंडिया मतलब क्या मन में सवाल आना चाहिए अरे पूछो ना इंडिया मतलब क्या अब जोर से पूछो इंडिया मतलब क्या क्या नहीं इंडिया मतलब क्या सुबह सुबह तुम्हारा लिए सगी बीवी को छोड़ के आया हूं कुछ तो मतलब यार सगी मतलब हां अब समझो इंडिया मतलब क्या ठीक है ये इंडिया क्या होता है और इंडिया का मीनिंग क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है इमेजिन ठीक है मैं आपके सामने कुछ केस स्टडी रखता हूं जवाब आपसे चाहिए ठीक ये सपोज करते हैं इंडिया का डाउन साउथ बराबर है साउथ पोर्शन ऑफ इंडिया ठीक है एक दिन, एक दिन क्या हुआ एक दिन क्या हुआ यहां पे कहीं से शिप आई है शिप दिख रही है अज्यूम दिस इज शिप ठीक है अज्यूम दिस इज शिप तो एक दिन शिप थी शिप के अंदर में ये मेरा प्यारा सा भाई बैठा था नाम क्या तेरा देवेश तो ये प्यारा सा भाई बैठा था देवेश ठीक है मस्ती से सुनना मज़े के साथ पढ़ना चाहिए राइट तो देवेश बैठा था इतने में वो शिप में वो चीज़ें नहीं बेचते वो वाले लोग राइट वो आए एक लड़की आई देवेश के पास हेलो सर यू लाइक टू हैव समथिंग देवेश अपना गाँव का आदमी हाँ दे ना अरे 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 मिनट जैसे ही इसने कुछ गुड्स खरीदे पैसे दिए पैसे लेके वो जा ही रही थी इतने में एओ आया नाउ प्लीज अंडरस्टैंड हियर इन आफ्टर एओ का मतलब है असेसिंग ऑफिसर विच इज एन इनकम टैक्स ऑफिसर तो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं इन्हें असेसिंग ऑफिसर्स कहा जाता है क्या कहा जाता है असेसिंग ऑफिसर जो आपकी इनकम को असेस करते हैं देखते हैं कि इनकम कितनी हुई इसलिए इसे क्या कहा जाता है असेसिंग ऑफिसर तो बिल्कुल ये पैसे लेके जा ही रही थी जितने में कौन आया ए कौन आया आया बोलता हेलो मैडम मैडम यस सर बताइए मैडम अभी अभी आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा प्रोडक्ट बेच के जो पैसा आया इज इट एन इनकम टू दैट पर्सन और कंपनी और फर्म और नो यस तो अभी आप अपने आप प्रोडक्ट बेचा प्रोडक्ट बेच के आपको इनकम आई है लाइए टैक्स ले लाई लाई जल्दी दो ना जल्दी दो ओ सर शायद आपने एक्ट अच्छे से पढ़ा नहीं द एक्ट इज एप्लीकेबल टू बोलो 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 स्पीक अप द एक्ट इज एप्लीकेबल टू मैं कहा हूं दरिया में प्लीज <laughs> नहीं नहीं मैडम आप एक बात समझिए आपने प्रोडक्ट बेचा समुद्र की लहरें तो इंडिया तक के जा रही है ना तो आपको तो टैक्स देना पड़ेगा यू नो आई एग्री टू योर पॉइंट बट आई डिस टू योर टैक्सेशन वर्ड द एक्ट इज एप्लीकेबल टू मैं कहा हूं दरिया सो प्लीज मैडम देखिए नो no, नहीं देखना <laughs> मुझे अरे मुझे नहीं देखना वेरी सिंपल पॉइंट आपने क्या कहा वट सर सेड द एक्ट इज एप्लीकेबल टू मैं कहा हूं कोई टैक्स नहीं देना थिंक अबाउट इट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और क्या इसलिए ही हमें इंडिया क्लियरली पढ़ना चाहिए हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम लॉस समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी चलिए इस बात को सोचते रहिए तब तक के एक एरोप्लेन एरोप्लेन दिख रहा है अजूम दिस इज अ प्लेन ठीक है मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है तो समझ लेना उतना भी खराब नहीं जितना आपने उसको समझ लिया <laughs> तो अजूम एक प्लेन उड़ा बराबर है प्लेन उड़ा आपको बताया प्लेन में बैठने के बाद फिर वो कुछ बेचने के लिए आते हैं राइट तो ये मेरा भाई बैठा था क्या नाम है तेरा भाई विपुल विपुल बैठा था इतने में वो एयरस्ट्रेस दीदी आई अरे किसी की तो दीदी होगी ना सुनो एरोस्ट्रेस दीदी आई सो यू लाइक टू है हाँ लाओ ना जूस वगैरह कुछ तो लेके आओ गया जूस लाया पैसे दिया पैसे लेके जा ही रही थी इतने में ए क्या बोलते ओह मैडम ओह भाई इधर आइए ना आपको भी कुछ चाहिए अरे नहीं मेरे <laughs> <laughs> को कुछ नहीं चाहिए आप ये बताइए कि आपने अभी भी प्रोडक्ट बेचा पैसे कमाया लैक्स ले लाइ ले जल्दी टैक्स निकाल सर, आई एम सो सॉरी टू सी यू दैट इज एप्लीकेबल टू मैं कहा हूं हवा में कोई इनकम टैक्स नहीं हो सकता यहां पे प्लीज नहीं नहीं मैडम देखिए आप जमीन पे हो या हवा पे देना तो आपको पड़ेगा <laughs> देखो पहला दिन है क्लास में फन एनवायरमेंट रहेगा ये बात समझना चार घंटे बोर नहीं हो सकते आप और ये मेरी जिम्मेदारी है ठीक है और समझना मस्ती के साथ एक दिन मैं मतलब बहुत अच्छे से मस्ती से पढ़ाता था ये अभिषेक सर आए यार जया बोले यार तुम ऐसा सीरियस क्यों नहीं पढ़ाते ऐसा एकदम सीरियस ऐसा हार्ड हार्ड ऐसा बोल तो बोला हर चीज़ हार्ड ही क्यों होनी चाहिए <laughs> अरे जॉयफुल भी तो हो सकता है ना हर चीज़ को हार्ड करने की जरूरत तो है नहीं तो सुनना मैडम सो so, आप बात समझिए द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया मैं कहा हूं हवा में चलिए आप सबसे अब मैं पूछना चाहता हूं जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्टेड है प्लीज टेल मी इज द एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं बिकॉज लॉस इज द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया पहले बताइए शिप का क्या होगा क्या शिप का टैक्स कलेक्ट किया जा पाएगा हाँ या ना बताइए एरोप्लेन्स में जो सेल हो रहा है प्रोडक्ट इनकम आ रही है आपको पता है हवा में एक और तरीके की इनकम आती है आप कभी फ्लाइट में जाके बैठे राइट और मान लीजिए आपको वो स्पेस बैठने का प्रॉपर नहीं हो रहा तो आगे की जो एक्सेल सीट है आप वहीं पैसे देके वो एक्सेल सीट बुक कर सकते हैं राइट अब वहीं पे आपने इनकम जनरेट कर ली बट हम लैंड पे तो है नहीं हम कहा है बेटा हवा में तो क्या इस पर भी टैक्स आना चाहिए हाँ या हाँ आपको नहीं लगता हाँ या ना बोलने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इंडिया में क्या क्या आता है क्योंकि अनलेस एन एंटिल वी फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया वी वॉन्ट बी एबल टू टैक्स इट बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल टू इज इंट इट यस अब इंडिया का मीनिंग समझते हैं. इंडिया मतलब क्या होता है समझना इंडिया ना बेटा एक्सटेंड होता है अपटू टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स इंडिया कहां तक एक्सटेंड होता है अपटू टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स बिलो द सी ऑन द सी अबाउ द सी इंडिया कहां तक एक्सटेंड होता है बेटा 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स अब नॉटिकल माइल्स इज इक्वल्स टू वन पॉइंट एट फोर टू नॉटिकल माइल्स इनकम टैक्स के लिए क्या पकड़ा गया है इंडिया तो पानी के नीचे कोई इनकम जनरेट हो रही है सर कैसे हो सकती है मान लीजिए क्रूड ऑयल निकाला और वहीं सेल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ये हुआ पानी के नीचे पानी के ऊपर फिशिंग एंड अदर एक्टिविटीज से जनरेट होने वाला इनकम हवा में एयर एयरफ्लाइट और इनपे जनरेट होने वाला इनकम तो टू हंड्रेड नोटिकल हंड्रेड तक का पूरा का पूरा का एरिया क्या कवर होता है इंडिया के डेफिनेशन में कवर होता है आर यू गेटिंग द पॉइंट पर हम ये लिखेंगे अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो सो so, इंडिया का मतलब क्या हम जितना इंडिया मैप पे देख रहे हैं क्या उतना है नहीं इंडिया एक्सटेंड अप टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स समझ में आ रही बात इस पर और डिस्कशन करेंगे परसों के दिन तो पहले आपको क्या पढ़ना है बोलो जल्दी से पहले क्या पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट एक्ट के बाद आपको क्या पढ़ना है इनकम टैक्स रूल्स नाइनटीन सिक्सटी टू सर सर हमारा पहला सवाल तो यही था एक्ट 1961 में रूल्स 1962 में पर एक और सवाल था हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स आपने तो पूरा सोमाक का लॉ पढ़ा है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ही पढ़ा है मुझे भी प्लीज समझाइए ना मैं तो कहता हूं एक्ट और रूल्स सेम है बोलो हाँ 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 डिफरेंस बोलो एक्ट और रूल्स डिफरेंस क्या है अच्छा गलत आंसर है अप्रीशिएबल है पर जवाब तो दो हाँ जी भाई बच्चा बच्चा आप अपन फाउंडेशन से नहीं है। हाँ एक्ट में प्रोविजन रहते रूल्स में इंप्लीमेंटेशन रहते किसी और का कोई और व्यू है हाँ जी रूल्स में ई e फॉर्म्स एंड अदर चीजें मेंशन होगी सेक्शन में प्रोविजन होगा जी बिल्कुल एक्ट बताता है क्या करना रूल्स बताता है कैसे करना वेल well, मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा तीनों ने ही सही जवाब दिया है एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ लेट अस बी क्लियर अबाउट इट एक्ट और रूल्स बनना एक्ट रूलनाटेन्स प्रोविजन ऑफ लॉ लॉ क्या है रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इस को इंप्लीमेंट कैसे करना है लेट मी गेट यू टू ब्रीफ एक्ट कहता है हर व्यक्ति जिसने इनकम कमाई है उसको क्या भरना है रिटर्न हर व्यक्ति जिसने क्या कमाई है इनकम कमाई है उसको क्या भरना है रिटर्न पर ये रिटर्न कब तक भरना है कैसे भरना है कौन से फॉर्म में भरना है रिटर्न भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं कहां से आएगी कहां को जाएगी सारी बातें कहां लिखी होती है रूल्स तो एक्ट ने ये बता दिया हर व्यक्ति जिसने इनकम कमाया उसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न भरना है पर ये कब भरना है कौन से फॉर्म में भरना है कौन सा व्यक्ति किस तरीके का फॉर्म भरेगा कौन से डिपार्टमेंट में जाके भरेगा ये सब कहाँ लिखा होता है रूल्स तो अब बताओ सिर्फ एक्ट पढ़ के काम चल जाएगा या रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे इनकम टैक्स में क्या क्या साथ में पढ़ना है कंपोनेंट्स तो दूसरी चीज क्या हो गई रूल्स रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट तो पहला एक्ट पढ़ना है दूसरा रूल्स पढ़ना है तीसरा क्या पढ़ना है सर नोटिफिकेशन तीसरा क्या पढ़ना है सर नोटिफिकेशन अब आप ये पूछेंगे आप यह पूछेंगे कि सर नोटिफिकेशन क्या होता है एनी वन बेसिक आइडिया वट इज नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स ओके okay. तो एक वर्ड आया नोटिफिकेशन इज अमेंडमेंट दिल से लग रहा है यही होगा वो नोटिफिकेशन ही अमेंडमेंट होगा दिल से ये सही लग रहा है क्या कि कुछ अलग होना चाहिए आपके हिसाब से सेम होना चाहिए अलग होना चाहिए अलग होना चाहिए हाँ जी पब्लिक के जो डाउट होते हैं उसको क्लियर करते हैं ये नोटिफिकेशन है ऐसा मेरा एक भाई कह रहा है तो फिर सर्कुलर क्या होगा वो सर्कुलर होना चाहिए है ना डाउट क्लियर वाला तो नोटिफिकेशन क्या है चेंजेस इन द एक्ट यस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर रेस्पेक्ट सर कम्युनिकेशन इज नोटिफिकेशन ऑफ एनी चेंज जनरली ऐसा होता है आपने देखा होगा या सुना होगा समझिएगा इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल किया जाता है ये जुलाई या अक्टूबर में किया जाता है लेकिन कई बार प्रेशर होने के कारण इस डेट को क्या कर दिया जाता है एक्सटेंड

नोटिफिकेशन समझ में आ रही बात चलिए अपने शब्दों में समझते हैं दोस्त ने डीपी चेंज किया आपको क्या आता है अनलेस एंड आप ब्लॉक हो आपको क्या आता है नोटिफिकेशन सो नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज समझ में आई बात मीनिंग समझा सभी को अब दूसरा वर्ड अगर एक्ट में कुछ चेंज हो रहा है तो डोंट यू थिंक आपको भी पढ़ना पड़ेगा यस और नो इसीलिए आपको एक्ट भी पढ़ना है रूल्स भी पढ़ना है तीसरी चीज क्या पढ़नी है नोटिफिकेशन सर लेकिन एक मिनट मेरे एग्जाम से दो दिन पहले नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है ना याद रखे बदलाव तो कभी भी हो सकता है किसी में भी है ना है ना इसे शायरी से कहना चाहूंगा अच्छा लेक्चर में शायरी आती है ये बेसिक पार्ट है सब्जेक्ट का ठीक है शायरी के कुछ बेसिक रूल है आप प्लीज सभी समझ लीजिए पहला है इर्शाद पहले क्या होता है इरशाद फर्स्ट एंजा के बाद होता है वाह वाह और पूरा खत्म होने के बाद आया तो बहुत कुम नहीं तो सर डाउन ठीक है जरा करो कि कुछ इस तरह बदला है वो है ना ये चौदह फरवरी से पहले वालों के लिए है कि कुछ इस तरह बदला है वो समझ ही नहीं आता बदला है या बदला है बदला है या बदला है तो अंडरस्टैंड कीजिए नोटिफिकेशन मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज बदलाव पर सर मेरे एग्जाम से दो दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया मैं क्या करूंगा आपको टेंशन नहीं लेना एग्जाम से छह महीने पहले तक के नोटिफिकेशन ही एप्लीकेबल होते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन सिक्स मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल सो फॉर यू दैट इज 24 आपको मे 24 तक के जितने नोटिफिकेशन आए होंगे वो एप्लीकेबल होंगे तो मे के बाद जून जुलाई अगस्त में जो नोटिफिकेशन आए होंगे आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है समझ में आई बात सर एक बात नोटिफिकेशन लाता कौन है मतलब किसको समझता है कुछ चेंज करना है डीप है क्वेश्चन किसको समझता है कुछ बदलना है कि अब जरूरत है बदलने की किसको लगता होगा सीबीडीटी किसको लगता है सीबीडीटी कोई एक अथॉरिटी है सीबीडीटी सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ठीक है अब थोड़ा सा प्लीज क्लियरली अंडरस्टैंड करना मैं सी फाइनल में भी आपको वापस सिखाऊंगा सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन सा बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मतलब वो डिपार्टमेंट जो भारत सरकार के लिए रेवेन्यू बनाता है वो जो भारत सरकार के लिए रेवेन्यू बनाता है ठीक है उसमें दो एक आता है डी से रेवेन्यू एक आता है आई तो डी का जो रेवेन्यू है वो सी बनाता है दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और आईडीटी बनाता है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम पूरा क्लियर कोर बेसिक क्लियर ऐसे कैसे क्लियर नहीं समझा बोलो वापस बोलो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भारत के लिए रेवेन्यू कितने तरह से आ रहे हैं दो कुछ आ रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस से कुछ आ रहे हैं दैट्स हाउ टोटल रेवेन्यू टू गवर्नमेंट इज मेड और इसीलिए आपका सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है कोर बेसिक्स डिवाइडेड है दो समझ में आया डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट हैंडल करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम हैंडल करते हैं डोंट वरी लिखने का काम नहीं मैं लिखाऊंगा ये भी ठीक है है चलो तो सीबीडीटी क्या लेके आता नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल सर एक बात बोलू मुझे भी नोटिफिकेशन समझना है आज तो ऐसा लग रहा है सब कुछ पढ़ लू बहुत नया नया पढ़ने को मिल रहा है कहा मिलेंगे कहा देख सकता हूं क्या मैं भी नोटिफिकेशन देख सकता हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाऊ थोड़ा सा सिखाऊ क्या थोड़ा सा इनकम टैक्स की एक वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलेगा वेबसाइट का नाम है इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी डॉट इन कौन सी वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन आप इस वेबसाइट पे जाएंगे वेबसाइट का नाम आता है इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी डॉट इन ठीक है अब प्लीज ध्यान से सुनिए इस पे आप यहाँ पे देखेंगे देखो टैक्स रूल्स दिख रहे हैं आपको टैक्स लॉ एंड रूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए देखिए यहाँ पे आपको सर्कुलर नोटिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पे आपको एक्ट दिख रहा है यहाँ पे आपको रूल्स दिख रहा है ये प्रैक्टिकली अगर किसी को समझना है कि मेरे को मिलते कहाँ हैं क्योंकि देख अब तू जो प्रिपेयर कर रहा है वो आर्टिकल शेप पेन तेरे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है अब तेरे को सिर्फ फाउंडेशन में कुछ होता है समझने से काम नहीं चलेगा अब इसके आगे का स्टेप बढ़ाना पड़ेगा वट ब्रिंग्स यू हियर वन ब्रिंग यू देयर तो अब और हर चीज को तुम्हारा क्वेश्चनिंग माइंड चालू होना चाहिए हर सब्जेक्ट में अगर ऐसा है तो ये कहाँ है और मेरे को कहाँ मिलेगा क्योंकि आर्टिकलशिप में जाते ही तुमसे अगर बोल दे कि नोटिफिकेशन फलाना फलाना निकालो यू शुड बी एबल ये क्लास तुमको अगर एडेड एडवांटेज ना दे तो मतलब नहीं आएगा कुछ समझ में आ रही बात मेरा मैंने आपको क्या बोला एक वादा क्या है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कैसे करना है क्योंकि आर्टिकल शिप में जाना है हम लोग को हम लोग को भी अ प्रोफेशनल बनना है तुम भी कभी अपने आर्टिकल्स को बोलोगे कि ये ढूंढ के निकाल तुमको तो पहले पता हो ना आता कहाँ से हाँ, हाँ तो कहाँ गया मेरे को नहीं समझा वापस समझाओ कहाँ जी हमें इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन जैसे यहाँ पर पहुंचा यहाँ पे क्या मिलेगा कौन सा टैब है टैक्स लॉज एंड रूल्स नीचे जैसे टिक किया पहले एक्ट फिर रूल्स फिर नोटिफिकेशन फिर सर्कुलर फिर बजट्स एंड ऑल सारी चीजें यहाँ पे मिल गई क्लियर है ब्रो चला आ जाओ राइट डाउन नोटिफिकेशन वॉट इज नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन इज Communication of change Notification is Communication of any change in Act Oblique Rules. It is issued by सी बी डी टी क्या मेरा बच्चा सी बी डी टी का फुल फॉर्म जानता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इट इज इशूड बाय सी बी डी टी इट इज अवेलेबल ऑन इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन it is available on incometaxindia.gov.in all notification 6 months before exam are applicable all notification 6 months before exam are applicable प्रभु तो बताइए अब क्या सिर्फ एक्ट पढ़ के हो जाएगा क्या क्या सिर्फ रूल्स पढ़ के हो जाएगा क्या 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 पढ़ना पड़ेगा जब एक्ट पढ़ते रहेंगे एक्ट रूल्स नोटिफिकेशन ये तीनों साथ में पढ़ना पड़ेगा तो रियल इंटरप्रिटेशन बाहर आ पाएगा लेकिन क्या इतना ही पढ़ के हो जाएगा ना मुन्ना ना चौथी चीज सर्कुलर चौथी चीज क्या बेटा सर्कुलर वाह चलिए सब लोग थोड़ा इधर देखिए प्रैक्टिकल में बात करेंगे एवरीबॉडी गुड सीट अरे हाँ यहाँ हाँ ओके व्हाट इज दिस एक एक से पूछता हूँ अपने अपने ओपिनियन दे दीजिए वट इज दिस भाई पानी इसमें कुछ वाइट है पानी यस मैम हां बोल भाई क्या ये ग्लास क्या है पानी का ग्लास बोल पानी इन? ग्लास ऑफ वाटर हम्म आधा ग्लास पानी आधा ग्लास पानी पानी का ग्लास हां उधर पीछे से बोल भाई आधा ग्लास पानी ग्लास कम भरा हुआ हाँ बोल बोल ट्रांसपेरेंट ग्लास किसी और का कुछ इंटरप्रिटेशन काच का ग्लास मैम कलर है इसका कुछ वाइट ऑफ व्हाइट डिजाइनर ग्लास एक बात समझिए मस्ती का पॉइंट था लेकिन कंसेप्ट था जब हमने एक चीज आप सबके सामने रखी मैनी पीपल हैज गॉट डिफरेंट व्यूज क्या आपने ये ऑब्जर्व किया डिजाइनर ग्लास आधा ग्लास पानी का ग्लास ग्लास ऑफ वाटर सेम थिंग बट हैज डिफरेंट व्यू टू डिफरेंट पीपल यस इमेजिन अ प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफिसर विच इज सिटिंग ओवर इन मुंबई कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम एन ऑफिसर विच इज सिटिंग ओवर इन दिल्ली कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑफ अफिसर है सिटी कोलकाता पुणे सॉरी आप पुणे हैदराबाद क्या एक ही प्रोविजन पे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं हाँ या ना आप सोचो डिपार्टमेंट के ही अलग अलग व्यू बने तो क्या होगा इमेजिन करना राइट right? इमेजिन आप डॉक्टर के पास गए डॉक्टर बहुत पेट दुख रहा है बहुत डॉक्टर हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं नॉर्मल नॉर्मल है खाने में गड़बड़, फूड पॉइजनिंग जाओ आपका दर्द कम नहीं हुआ आप दूसरे के पास गए सर बहुत दर्द, गैस हो गया तुम जाओ। तीसरे के पास गए सर बहुत जोर से दुख रहा है तुम्हें वो हो गया जो नहीं होना था इमेजिन इमेजिन डिपार्टमेंट के ही व्यू एक ही पॉइंट पे अलग अलग हो गए लोगों का लॉ से भरोसा उठ जाएगा हाँ या ना इमेजिन आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने और सभी के सभी ने एक ही इनकम पे अलग टैक्स निकाला तो जिसने सबसे कम निकाला उसके हिसाब से तो वो रैंकर हो गया रैंक में आया हो या नहीं भाई क्लाइंट के लिए तो वही रैंकर है जिसने सबसे कम टैक्स निकाला सही निकाला है गलत तो उसको क्या पता जब तक वो दूसरे के पास जाएंगा नहीं पता कैसे चलेगा बट आप बताइए एक ही चीज पे अगर हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग व्यू दे तो लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा हमारे प्रोफेशन से यस yes? ठीक उसी तरीके से इफ द डिपार्टमेंट ऑन द सेम लॉ हैज डिफरेंट व्यू नो बड़ी विल फॉलो द लॉ एक बोलेगा सर वो वाले ऑफिसर ने तो ये बोला था आप ये बोल रहे हो इसीलिए ऑर्डर टू हैव अ कॉमन ओपिनियन वेयर द लॉ इज नॉट क्लियर वेयर द लॉ इज नॉट क्लियर सर्कुलर लेके आ जाते हैं क्या लेके आ जाते सर्क्यूलर टू क्लियर द डाउट अब यह सर्कुलर लाने की जरूरत क्यों पड़ती है क्योंकि जब लॉ बनाया जाता है जरूरी नहीं सब चीजें एक ही दिन में सोच ली जाए जरूरी नहीं सब चीजें एक ही दिन में सोच ली जाए पूछो कैसे अब सोचिए क्या हुआ था कुछ सालों पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार क्या कर रही थी आधार इंप्लीमेंट कर रही थी इन्होंने क्या किया बोले आधार मैंडेटरी आधार मैंडेटरी है और अब अगर रिटर्न भरना है तो आधार जरूरी है अब ये लॉ तो इन्होंने बना दिया इतने में एक नॉन रेसिडेंट आई नॉन रेसिडेंट बोली आई विल नॉट बी एबल टू फाइल रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती क्यों भाई तुमने इंडिया से इनकम कमाया इमेजिन इमेजिन अ नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर कम टू इंडिया उसने इंडिया से भी कोई वीडियो से इनकम कमाई अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको छोड़ेगी क्या आई I मीन mean, उसके टैक्स को छोड़ेगी क्या नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी बेटा टैक्स दे अब इसको अगर टैक्स देना है मतलब रिटर्न भरना है अब ये क्या बोलेगी भैया मैं रिटर्न कैसे भरू तुमने क्या मैंडेटरी कर रखा है आधार देख लॉ मेकर ने जब लॉ बनाया उसको ये आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ कि यार ऐसे भी तो लोग हो सकते जिनके पास आधार होगा ही नहीं या जिनको आधार इशू ही नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति है हु इज अ नॉन रेसिडेंट इनको आधार इशू ही नहीं हो सकता क्योंकि वो रेसिडेंट की पहचान है इंडियन रेसिडेंट की पहचान है तो अब लॉ में अप्रोप्रिएट चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट अ पर्सन इवन विदाउट आधार बट हैज इनकम फ्रॉम इंडिया शुड पे द टैक्स इन इंडिया समझ में आई बात तो लॉ मेकर जब लॉ बनाता है जरूरी नहीं कई बार मम्मी भी खाना बनाती है नमक डालना भूल जाती है फिर बाद में ऊपर से ऐड किया जाता है सर्कुलर समझ में आया क्या होता है बेटा सर्कुलर सो व्हाट इज सर्कुलर सर्कुलर इज इशूड फॉर क्लैरिफाइंग द डाउट्स अब आप बहुत समझ के रखिए सर्कुलर किस पे मैंडेटरी है डिपार्टमेंट पे क्योंकि डिपार्टमेंट का व्यू अलग नहीं हो सकता डिपार्टमेंट का सब व्यू सेम होगा पर एज अ टैक्स पेयर इन चारों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है हेलो एज अ टैक्स पेयर तो तुम्हारा ओपिनियन अलग हो ही सकता है पर एज अ ऑफिसर तुम्हारा ओपिनियन अलग नहीं हो सकता समझ में ही बात एज अ टैक्स पेयर तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है क्योंकि चारों अलग बिजनेस सिनारियों में बैठे होंगे इवन दो दे आर डूइंग द सेम बिजनेस पर सबके इश्यूज अलग अलग हो सकते हैं समझ सो सर्कुलर so, किस लिए इशू किया जाता है कौन इशू करता है सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट इट इज मैंडेटरी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड नॉट मैंडेटरी फॉर एस एस सी मैंडेटरी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा मुंबई में रह बिजनेस ऑपरेट कर रहा है इन दोनों के प्रैक्टिकल अलग अलग है पॉइंट तो दोनों के हिसाब से वो सेम नहीं हो सकता लॉ दोनों के हिसाब से लॉ अलग अलग होना चाहिए आर यू गेटिंग यस yes. कौन इशू करता है इशूड बाय अभी अभी आपको वेबसाइट पे दिखाया था तो कौन इशू करेगा इशूड बाय सी बी डी टी तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर बोथ आर इश्यूड बाय सी बी डी टी ऑल सर्क्यूलर सिक्स मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल तो नोटिफिकेशन और सर्कुलर एग्जाम से छह महीने पहले आपको देखने हैं। चलिए इसे ऐसा समझते हैं अगर आपका नवंबर 24 या दिसंबर 24 एग्जामिनेशन है आपको जून 24 तक के सारे नोटिफिकेशन या सर्कुलर क्या हो जाएंगे एप्लीकेबल जस्ट इन केस अगर आप यह क्लियर नहीं करते मे पच्चीस के लिए टिल नवंबर और दिसंबर ट्वेंटी फोर एग्जाम एप्लीकेबल हो जाएगा अब समझ में आया के बोलो सिर्फ एक्ट पढ़ने से काम चलेगा क्या ब्रो? सिर्फ रूल्स सिर्फ नोटिफिकेशन सिर्फ सर्कुलर चारों पढ़ने पड़ेंगे तो लॉ समझ आएगा इतना छोटा लॉ है बरेबर है एंड द लास्ट पॉइंट फिर ब्रेक लेंगे हम केस लॉ लास्ट पॉइंट क्या है बेटा केस लॉ हर चीज लॉ मेकर क्लियर नहीं कर सकता डू यू अग्री यस देर आर सर्टन इंटरप्रिटेशनल इश्यूज़ लॉ मेकर ने तो लॉ बना दिया पर कई बार इस लॉ को क्लैरिटी की जरूरत होती है यस और नो अब जैसे एक बहुत सिंपल सा इश्यू बताता हूं अब तक के इंडिया में हम जेंडर के मामले में दो ही कैटेगरी करते थे या तो मेल या तो फीमेल एंड थर्ड जेंडर वॉज नॉट गिवन देयर राइट्स बट वर यस वर दे द बेसिक राइट द कॉन्स्टिट्यूशन यस बट प्रॉब्लम क्या था रिकोग्निशन इन लॉ था ही नहीं अब रिकॉग्निशन इन लॉ ना होने के कारण उनको हर जगह पे ये इशू फेस करना पड़ता था अब इनकम टैक्स में भी जब रिटर्न भरने की बारी आती थी थर्ड जेंडर का इशू था था क्योंकि रिकॉग्निशन से ही इशू तो डोंट यू थिंक किसी ने कोर्ट में केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ा और जीता भी समझ में आई बात तब जाकर के एक थर्ड जेंडर और आइडेंटिटी इन लॉ अराइज हुई अब ये क्यों हुआ लॉ बनाने वाले ने ही ये थॉट नहीं दिया समझ में आ रही बात लॉ बनाने वाले ने ही थॉट नहीं दिया या थॉट दिया भी होगा उस टाइम पे उसको लगा होगा इस चीज की जरूरत नहीं है उस टाइम के इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए राइट जिस तरह से एज अ सोसाइटी हम डेवलप करते हैं नई नई थॉट चालू होते हैं डू यू अग्री यस तो उसी हिसाब से सेम सेक्स मैरिज का इशू आप समझिए यस और नो अब सेम सेक्स इशू में भी पॉइंट तो वही आता होगा ना पहले जिस टाइम की हम बात करते थे उस टाइम पे ये सिचुएशन ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होता था नहीं माना जाता था ऑफ लेट पीपल एक्सेप्टेड इट ये तो आज हम उस बारे में बात कर रहे हैं आज उस बारे में सारी डिटेल्स पता कर रहे हैं पहले ये था क्या नहीं तो उस हिसाब से केस लॉस की जरूरत पड़ती है राइट मान लीजिए एक्ट में से पिता लिख दिया दिस पर्टिकुलर बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल पर उसके आगे वो लिखना ही भूल गए एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में आया लेट से अंडरटेकर ठीक है लड़कियों अंडरटेकर मतलब WWE का एक रेसलर को पता होगा अचानक से खड़ा हो जाता अरे मतलब तो अंडरटेकर अब नॉन रेसिडेंट है, है तो वो इंडिविजुअल yes. से इंडिया में आके कोई बेनिफिट ले बोल दे आप कैसे ले सकते आप तो नॉन रेसिडेंट है अंडरटेकर ये तुमने पहले लिखना था ना लॉ में तुमने सिर्फ लॉ में क्या लिखा है इंडिविजुअल नहीं नहीं सर बट लॉ मेकर की गलती है बट मैं आपको बताता हूं इट इज एप्लीकेबल ओनली टू रेसिडेंट लिखा कहा है लॉ लिखा कहा है भैया सबूतों पे चलेगा ना सबूत क्या लिखा है इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल तुमने लिखा नहीं जब तुमने रोका ही नहीं हम आगे बढ़ गए सिंपल है ना तुम पहले रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे एप्लीकेबल ओनली टू रेसिडेंट जब तुमने रोका ही नहीं हम आगे बढ़ गए या तो क्लियर कर मराठी में कहा जाता ना बाप दाखो नहीं तो शाद कर सिंपल है कि नहीं है या तो क्लियर लिख दे इट इज एप्लीकेबल ओनली टू रेसिडेंट विषय खत्म या तो आपने सिर्फ इंडिविजुअल लिखा है तो इट शुड हैव बीन एप्लीकेबल टू रेसिडेंट एज एज वेल नॉन रेसिडेंट तो ऐसी चीज़ों को क्लियर करने के लिए क्या आते हैं बेटा केस लॉस बराबर है बड़े बड़े। ये केस लॉस कहाँ से आते हैं बेटा ये केस लॉस आते हैं केस लॉस फ्रॉम ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट अब ये ट्राइब्यूनल और कोर्ट में डिफरेंस क्या है हम थोड़े देर बाद डिस्कस करेंगे यहाँ हम लेते हैं एक टेन मिनट्स का ब्रेक ताकि आप फ्रेश हो जाएं चाय पी लें नाश्ता कर लें और फिर हम लोग यहाँ पे वापस मिलते हैं तो एक टेन टू फिफ्टीन मिनट्स का ब्रेक है राइट, right? जल्दी से वापस आइए इट्स नाइन टेन नाइन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फाइव तक के वापस आ जाइए डन सी यू आफ्टर द ब्रेक बच्चों मजा आया कि नहीं आया हैव अ ब्रेक लोग मजा आया आया कि नहीं एक एक नंबर पार्टी इस वाला बार कौन सा वगैरह दिए थे ना उस फोटो सर आपका कैलकुलेटर आप मुझे दे दो सॉरी कितने 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 में में दे दे रहे रहे हो हो पता

चलो एवरीवन, बी क्विक, भाई, 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 आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, लगी नहीं ना? आराम से, भाई, आराम से। ये अतुल भैया अतुल भैया जरा ए सी थोड़ा सा कंट्रोल में ला लो अरे पानी का ग्लास है वो भाई वो, देखना वो चालू है ना चलो एवरीवन प्लीज बी सीटेड क्विकली

यस सर वेलकम आफ्टर द ब्रेक ब्रेक से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोग अभी तक के तीन ही वर्ड पढ़ रहे हैं पहला इनकम दूसरा टैक्स तीसरा एक्ट और 1961 इसमें का सबसे पहला वर्ड ही हम लोगों ने एज ऑफ नाउ यू नो पिकअप किया है और पहला वर्ड है एक्ट पहला वर्ड क्या है बेटा एक्ट इस पूरे पहले वर्ड में एक्ट में हम लोगों ने सबसे पहले समझा इज इट ओनली द इनकम टैक्स एक्ट विच वी नीड टू लर्न देर आर कंपोनेट ऑफ इनकम टैक्स देर आर कंपोनेट ऑफ इनकम टैक्स वर दाइव कंपोन टैक्स पहला एक्ट दूसरा रूल तीसरा नोटिफिकेशन चौथा सर्कुलर पांचवास लॉस आर दिन दीज आर दाइव कंपोन ऑफ इनकम टैक्स ना लेटेस्ट फर्दर लर्न एक्ट को ही और तोड़ेंगे अभी हम जैसा कि मैंने कहा यही चार वर्ड अगले चार दिन तक के चलते रहेंगे सिर्फ यही चार वर्ड चार दिन तक चलते रहेंगे अब मुझे एक बात बताइए एक्ट है तो आपको एक आर्ट आना चाहिए इस एक्ट को रीड करने का से यस यस सो यू मस्ट नो व्हाट एक्ट कंटेन्स द एक्ट कंटेन्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में क्या क्या होता है एक्ट में बहुत सारी चीजें होती है अंडरस्टैंड कीजिएगा एक्ट इज डिवाइडेड इंटू सेक्शन एंड सबसे एक्ट इज डिवाइडेड इंटू सेक्शन एंड सबसेक्शन नाउ अंडरस्टैंड अगर ऐसे लिखा है बराबर है तो इसको रीड कैसे करेंगे सपोज ऐसा कुछ लिखा है इसको रीड कैसे करेंगे एनी वन कैन यू प्लीज रीड इट सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी टू क्लॉज फोर सब फाइव वेरी गुड तो सबसे पहली चीज जो होगी ये होगी सेक्शन दूसरा जो होगा ये होगा सब सेक्शन तीसरा जो होगा ये होगा क्लॉज और चौथा जो होगा ये होगा सब क्लॉज द एक्ट इज डिवाइडेड इन टू सेक्शन मी रिकॉल हाउ मेनी सेक्शन आर देर इन इनकम टैक्स टू नाइनटी एट दैट इंटरलिंकिंग देर आर टू नाइनटी एट सेक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट कंटेन प्रोवाइजो एक्ट में और क्या आता है बेटा प्रोवाइजो क्या बोलते हैं इसको कैसे रीड करते हैं प्रोवाइजो वॉट डू मीन बाई प्रोवाइजो प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन टू सेक्शन एक्सेप्शन टू सेक्शन अभी एक्सेप्शन टू सेक्शन का क्या मतलब होता है वेन एवर अ लॉ इज गिवन वेन एवर कहीं पे भी एक्ट दिया होगा उसके नीचे उसका प्रोवाइजो दिया होता है फॉर एग्जाम्पल द सेक्शन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन एक्सेप्ट कंपनी समझ में आई बात तो ये जो एक्सेप्शन है इसे लॉ में एक नए वर्ड से यूज करते हैं हियर इन आफ्टर टिल योर लाइफ टाइम आप इसे क्या वर्ड यूज करोगे प्रोवाइज़ो राइट right? और इसे कैसे डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय द वर्ड्स प्रोवाइडेड दैट तो आपको कभी भी एक्ट में अगर ये वर्ड दिख जाए प्रोवाइडेड दैट मतलब आप समझ लेना वहां पे एक्सेप्शन है तो जब भी बेयर एक्ट लिखा होगा बेयर लॉ लिखा होगा लॉ में कहीं पे भी लिख दे द एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन प्रोवाइडेड दैट द एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू कंपनी तो इसका मीनिंग क्या होगा मेरा बच्चा ये सभी पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट कंपनी तो प्रोवाइडेड दैट जब भी लॉ में लिखा है इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन इसको हम क्या कहते हैं एक्सेप्शन आर यू गेटिंग द पॉइंट क्लियर है तो चल बात समझना आपका जो एक्ट है वो तीन पार्ट में टूटा होता है एक्ट में सबसे पहले क्या होते है सेक्शन सेक्शन के नीचे उसका क्या होता है प्रोवाइज़ो अब तीसरा वर्ड आता है शेड्यूल एंड एन एनेक्चर मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था रुक जाओ मैं बताता हूं शेड्यूल मतलब क्या होता है याद आ रहा है राइट तो क्यों आप थोड़ा सा एक्ट में मेचोर हो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा सिर्फ पेशेंस रखो तुम्हारे डाउट पूरे क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी और एक एक वर्ड एवरेज बच्चे के जैसे शेड्यूल मतलब क्या होता है वेड ए क्या मेरे बच्चे को यह पता है इनकम टैक्स में कितने शेड्यूल है पता है जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी बुक पलटा है पलटाओ पलटाओ देखो कितने शेड्यूल है दिस इज इंटरलिंकिंग फोर्टीन शेड्यूल कितने शेड्यूल है फोर्टीन पर आखिर शेड्यूल में होता क्या है चलिए एकदम कोर बेसिक्स बता दूं दो मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पर बताऊ कि नहीं बताऊं बताऊं चलो सुनो मान करके चलो ये मेरे पास आया ही इज अ न्यू क्लाइंट टू मी हम नए नए कौले कौले चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं ठीक है थीके? ये मेरे पास आया उसको बोला मेरे को बोलता है कि भैया ऑडिटिंग सर्विसेस चाहिए बराबर है मैं कैसे डिसाइड करूं इसको फीस कितनी बोलू लेट्स गो इन टू रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड मैं कैसे डिसाइड करूं इसको कि फीस कितनी बोलू सर शक्ल देखो जो सही लग रहा लगा दो एमआरपी तो है नहीं हमारे गेम में पर कुछ तो पैरामीटर होगा ना जो ये डिसाइड करेगा कि भैया एक सर्टन कॉस्ट है प्लस मेरे सर्विस कॉस्ट तो डाके मेरा टोटल प्रोफेशनल फीस बनेगा डू यू अग्री पर ये कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज के लिए कितना फीस देना है अगर इसको रिपोर्ट सबमिट करनी है या फॉर दैट मैटर पैन अप्लाई करना है तो कुछ फीस तो ऐसी होगी जो गवर्नमेंट को देनी होगी पैन के लिए प्लस मेरी प्रोफेशनल सर्विस चार्जेस तो जाके मैं उसको टोटल फीस बोल पाऊंगा हाँ या ना पर ये पता कैसे चलता है शेड्यूल ऑफ फीस शेड्यूल जो होता है ना इनकम टैक्स एक्ट का उसके पीछे एक शेड्यूल होता है जैसे शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री याद होगा तो आपको बैलेंस शीट कौन से फॉर्म में बनानी है शेड्यूल थ्री तो वहां पे फॉर्मेट दिया था उसी तरीके से इनकम टैक्स के भी अलग अलग शेड्यूल है जहां पे फॉर्मेट दिया है टेबल ऑफ फीस दिया है अब इस टेबल ऑफ फीस में क्या होता है लिखा होता है कोई भी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है लेट मी गिव एन एक्साम्पल ये आया बोले सर मेरे को पैन कार्ड अप्लाई करना है मैंने इसे कहा पांच सौ रुपए अब ये फाइव विजय ने कैसे डिसाइड किया होगा इसमें से विजय ने देखा हंड्रेड जो है ये गवर्नमेंट को जाना है और फोर विजय की सर्विसेज चार्जेस तो हाउ वी डिसाइड फीस हम सबसे पहले table of fees देखते हैं। हम क्लाइंट को बताते को को हैं है। तो है, है। अलग अलग चीजों की ड्यूडेट लिखी होती है अलग अलग चीजों के फॉर्मेट लिखे हुए होते हैं सर ये शेड्यूल मिलता कहां है एक्ट एक्ट के पीछे ही क्या लगे हुए होते हैं शेड्यूल तो एक बुक में ही सब कुछ होता है जैसे क्वेश्चंस किसी भी कॉन्सेप्ट्स के पीछे होते हैं ठीक उसी तरह शेड्यूल एक्ट के पीछे होते हैं पर सर आप मेरे को ये क्यों बता रहे हो तो बात उन दिनों की है जब मैं नया नया सीए बना जब मैं नया नया सीए बना अब आपको तो पता ही है जैसे फाउंडेशन पास करके आपको इतना कॉन्फिडेंस आया सोचो सीए बनने के बाद कितना आएगा समझ आ रही है बात तो अपन चले गए अपन तो भी बन गए आई हैव कंप्लीटेड माय सीए सीएस बीकॉम 10th 12th एंड मैं यूपीएससी प्रीलिम्स भी क्लियर किया है हां कंप्लीट नहीं किया ये कंप्लीट किया है अब जरा ध्यान से सुनना तो अपन तो भाई एकदम चौड़ भाई अपन सी ये अपन पहुंच गए बिग फोर में हर एक का होता है ना ऐसा सपना अपन पहुंच गए बिग फोर में भाई तेरा बिग फोर में करेगा काम भाई एक मिनट में घमंड उतारा उस आदमी ने मेरा पूछो कैसे जिसने इंटरव्यू लिया ना ऐसा एक्ट मेरे सामने ला रखा बोला प्लीज शेड्यूल एट पर जाइए इसके पहले कभी किसी ने समझाया ही नहीं था शेड्यूल मिलता समझा है बात तो ढूंढना कहां है ये पता ही नहीं था इमेजिन तुमको पहले दिन डॉक्टरी में बोला एक काम कर हार्ट निकल पता तो हो ना किधर से निकालना है काटना किधर से पहले ये तो पता हो ना अब मेरे को बोल दिया शेड्यूल एट निकल ख्वाब कहां के बिग फोर पता क्या कुछ नहीं ये सुनो का नहीं बाबा माजा लग्न करा <laughs> मैं पहुंच गया तब मेरे को समझ में आया यार इतने से से काम नहीं चलेगा यार देना है तो फिर वो पढ़ो तो हद कर दो वरना रद्द कर दो फिर इसलिए मैं आपको आज समझा रहा हूं क्योंकि मान लो सेम चीज आपके साथ आर्टिकलशिप में हो यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कहां मिलेगा तो जैसे ही एक्ट खत्म होगा 298 सेक्शंस खत्म होंगे नेक्स्ट पेज से चालू हो जाएगा शेड्यूल तो सीधा एक्ट के पलट देने का एंड में क्या मिलेंगे शेड्यूल कितने शेड्यूल है फोर्टीन एंड अकॉर्डिंगली हर एक में अलग अलग बात लिखी है यू डोंट नीड टू लर्न किस में क्या लिखा है ये तुमको कभी नहीं पूछा जाएगा नॉट इवन इन फाइनल्स ठीक है तो शेड्यूल कंटेन्स फॉर्मैट टेबल फीस एटसेट्रा तो क्या एक्ट में सिर्फ एक्ट होता है नहीं एक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन एवरी सेक्शन इफ रिक्वायर्ड कंटेन प्रोवाइजो एंड एट द एंड ऑफ द एक्ट देर विल बी शेड्यूल एट द एक्ट देर विल बी शेड्यूल हम चार में से पहले ही वर्ड पढ़ रहे एक्ट एक्ट के वर्ड को ही तोड़ रहे है. पहले समझा एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना फिर समझा एक्ट में क्या क्या होता है समझ में आ रहेगा डेप्थ समझ रहा है इंटर का कितना है अब तक के कुछ लोगों की नींद उड़ चुकी होगी <laughs> समझ में आ रही बात अब हम तीसरे वर्ड पर जाते हैं अगर एक्ट आया होगा तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगी नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर लर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी समझना क्यों जरूरी है इंडिया में वेन एवर देर इज अ लॉ इज मेड दैट लॉ मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड दैट लॉ मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड चले समझते हैं क्या ऐसा हो सकता है मोदी जी आज रात आठ बजे आए और कहें भाई और बहनों आज से हम भारत की प्रोग्रेस के लिए नया टैक्स लगाएंगे मेरे प्यारे मित्रों हम इसे शांति टैक्स के नाम से जानेंगे लेट मी गो इन टू द कोर बेसिक्स जैसे पांच सौ हजार के नोट बंद किए गए क्या रात में प्राइम मिनिस्टर आके इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या और अगर उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि हम नया शांति टैक्स लगाएंगे तो क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा क्या बिकॉज़ क्या टैक्स लगाने के लिए yes. in को, को right चीज अब भी तुमको डीके बताएगा बहुत डिटेल में कि का क्या रोल होता है इसके अंदर में द बेस्ट पर्सन और जैसा कि हमने कहा एकत्र तो हम के अंदर में मान करके चलो मोर देन थ्री हंड्रेड क्वेश्चन तुम्हें लिखना है चाहे लॉ ही क्यों ना हो उसके अंदर में इतना लिखाता है इतना लिखाते सॉल्विंग ही इतनी ज्यादा होती है कि तुमको वो मजा आ जाए कि यार तुमको आंसर पता हो इसके बाद ये लिखना है इसके बाद ये लिखना है इसके बाद ये लिखना है बराबर अब ध्यान से समझना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है क्योंकि अगर एक्ट है तो इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगा तो ही ये लॉ का प्रेजेंस अब आएगा हाँ या ना तो अब यह एक्ट आया कहां से है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ज इट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तो सबसे पहले तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स पढ़ने होंगे अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिडेड इंटू वेरियस आर्टिकल्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इंटू वेरियस आर्टिकल्स इसका एक आर्टिकल हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी फाइव आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी फाइव नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मैं इनकम टैक्स निकल के कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देख रहा हूं कि क्या हमारा इनकम टैक्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी है या नहीं दी है क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता नहीं दी है तो इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता हाँ, हाँ। लिख लिया बेटा सबने आराम से ठीक है चलो अब मेरे साथ प्लीज रीड आउट लाउड आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं ठीक है जोश के साथ आवाज चाहिए नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ अब इसे थोड़ा हिंदी में समझते हैं अपनी लैंग्वेज में कोई भी टैक्स ना लगाया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है जब तक कोई अथॉरिटी ना हो और कोई अथॉरिटी इस लॉ को पास ना कर दे इसका मीनिंग क्या है जल्दी से समझिए ना कोई टैक्सेस लगाया जा सकता है ना कोई टैक्सेस कलेक्ट किया जा सकता है जब तक कोई एक अथॉरिटी उस लॉ को पास ना कर दे इस लाइन को समझते हुए आप बताइए क्या मोदी जी शांति टैक्स रात आठ बजे लगा सकेंगे क्या क्योंकि टैक्स को लगाने के लिए हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है क्या होना चाहिए लॉ और ये लॉ कौन पास करेगा कोई अथॉरिटी तो प्राइम मिनिस्टर भी आकर के बोले हम आज से नया टैक्स लगा रहे हैं नोटबंदी अलग विषय है पर टैक्स लगाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पहले क्या बनाओ लॉ नहीं तो जीएसटी एक ही दिन में लागू हो जाता बेटा पहले जीएसटी के लिए क्या बनाना पड़ा लॉ समझ में आ रही बात। तो जब तक भारत में टैक्स के लिए कोई लॉ नहीं बनता वो टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और अगर आपने लॉ नहीं बनाया तो वो क्या नहीं बन सकता कलेक्शन नहीं हो सकता या वो कलेक्शन ही इनवैलिड हो जाएगा समझ में आ रही बात अब आपने कहा लॉ होना चाहिए क्या होना चाहिए लॉ लॉ मतलब क्या देर मस्ट बी एन एक्ट पास एक-एक वर्ल्ड -एक को तोड़ेंगे हम पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो मजे से पढ़ेंगे पहला लॉ मतलब कोई एक्ट होना चाहिए तो जब तक कि जीएसटी एक्ट नहीं बनता जीएसटी कलेक्शन पॉसिबल नहीं था इसीलिए देखो हम डायरेक्टली एक्साइज सर्विस टैक्स से जीएसटी में शिफ्ट नहीं हो गए एक्साइज सर्विस टैक्स के बाद जीएसटी एक्ट को पास किया गया फिर हम जीएसटी में शिफ्ट हुए क्योंकि आर्टिकल 265 नहीं तो जीएसटी को इनवैलिड कर देता समझ में आ रही बात अच्छा नो टैक्सेस कैन बी और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब कोई भी टैक्स को अगर लगाना है या कलेक्ट करना है कोई अथॉरिटी चाहिए जिसने वो लॉ पास करना चाहिए अथॉरिटी कौन होगी जो लॉ पास करता है हु पास द लॉ इन इंडिया आई रिपीट माई क्वेश्चन हु पास द लॉ इन हु मेक्स द लॉ इन इंडिया

आई अथॉरिटी पासिंग ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट मेकिंग द लॉ लॉ बनाता कौन है कभी इतना नहीं सोचा ना फाउंडेशन में अब सोचना है यही इंटर है डाउट एवरीथिंग सर द लॉ इन इंडिया एनी लॉ इन इंडिया इज मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एमओ एल जे क्या सीखा एवरी लॉ इन इंडिया चाहे वो लॉ किसी भी चीज से रिलेटेड हो इसका फ्रेमवर्क बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन बनाते हैं बोलो जल्दी से मिनिस्ट्री आपको पता है 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 फाउंडेशन में में आपने चीज पढ़ी थी पहले बिल बनता है, बिल बनता बोथ ऑफ पार्लियामेंट जाता है, फिर वो एक्ट बनता है याद आ रहा है पर आपने एक चीज जो नहीं पूछी वो ये है कि वो बिल कौन बनाता है वो बिल बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दैट्स कोर कॉन्सेप्ट समझ में आई बात सो so,

सर पार्लियामेंट पास द लॉ डू हेल्प विद दिस पीपल दिस पीपल आर रॉन्ग आई एन प्रूव इट यू वांट मी टू प्रूव इट इस पार्लियामेंट इज इन सेशन फॉर होल ऑफ द ईयर, इफ द लॉ इज रिक्वायर्ड हाउ लॉ विल बी मेड आर यू गेटिंग द पॉइंट आर यू करेक्ट यू आर पार्शली करेक्ट बिकॉज द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन फॉर द होल ईयर थोड़ा सा सिविक्स समझना पड़ेगा अब जरूरत है इसकी जो बचपन में पढ़ा था ना उसकी जरूरत अब है वापस समझ में आया याद आ रहा है पार्लियामेंट साल भर सेशंस में नहीं होता सो अंडरस्टैंड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन हु विल पास द लॉ तुम्हें पढ़ाया है ये प्रेसिडेंट याद आ रहा है सो हु इज द अथॉरिटी हु पास द लॉ इन इंडिया द अथॉरिटी का मीनिंग क्या है यहां पे जो हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ रहे हैं कोई अथॉरिटी ने इस लॉ को पास करना चाहिए तो सवाल उठता है यह अथॉरिटी कौन है यहां पे आता है आर्टिकल नंबर टू फाइव आर्टिकल नंबर टू फाइव पार्लियामेंट शेल मेक लॉ फॉर होल और पार्ट ऑफ कंट्री चलो डिस्कस करते हैं रिसेंटली जम्मू कश्मीर अलग अलग किए गए याद है आपको एक को यूनियन टेरिटरी बनाया गया राइट पर इसका डिस्कशन कहाँ हुआ मोदी जी ने लिया या पार्लियामेंट में हुआ पार्लियामेंट क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके का लॉ को बनाना है फॉर होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया हैज टू बी मेड इन पार्लियामेंट समझ में आई बात हैज टू बी मेड इन पार्लियामेंट यस एम ओ एल जी फुल फॉर्म मेक्स बिल बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और फिर ये क्या बन जाता एक्ट यही फाउंडेशन में पड़ा था सबसे पहले बिल बनता है बिल बोल हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाता है और फिर वो क्या बनता है बेटा एक्ट तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पार्लियामेंट इज द लॉ मेकर दे डू नॉट क्रिएट द लॉ बट दे पास द लॉ दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ एज लॉ मेकर्स बट हमारे श्री बाबा साहेब आंबेडकर जी ने इतना बेहतरीन काम किया उन्हें पता था साल भर पार्लियामेंट सेशन में रहता नहीं तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल डाला आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 123, ट्वेंटी थ्री टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द एबसेंस ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंस की जगह आप रिसेस भी लिख सकते हैं इन द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ थ्रू ऑर्डिनेंस तो भाई साहब अथॉरिटी दो है पहला इंडिया में जो लॉ पास करेंगे वो होगा पार्लियामेंट पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री लॉ बनाने का राइट किसको दे देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डिनेंस पास करके इसे लॉ बनाया जा सकता है लेट मी थरोली डिस्कस वॉट इज ऑर्डिनेंस और क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है इन टू ऑर्डिनेंस लाया गया था इन टू जब पूरे कोविड में भारत बंद था और लॉ की नए जरूरत थी तब भी प्रेसिडेंट ने अपना ऑर्डिनेंस का पावर यूज किया था इन 2021 जब कोविड से हम लोग रिकवर नहीं हुए थे उस साल भी ऑर्डिनेंस का पावर को क्या किया गया था यूज क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थे तो ऐसे कई जगह पे होता है जहां पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उन हर एरियाज में प्रेसिडेंट आते हैं और अपना ऑर्डिनेंस प्रोमोलिगेट कर देते हैं आर यू गेटिंग द पॉइंट समझ में आ रही बात। so, है बात सो आते हैं वापस से 265 पे 265 कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस लॉ को पास करे तो अथॉरिटी कौन है या तो पार्लियामेंट या तो प्रेसिडेंट एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है अच्छा चलिए आर्टिकल 265 एक बार और जोर से रीड कीजिए अब एक एक वर्ड को तोड़ रहे नो टैक्सेस बोलो 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 नो टैक्सेस कैन बी और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब अगर कोई भी टैक्स लगाना है लेवी 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 का मतलब क्या है लगाना टैक्स इंपोज करना टैक्स क्या करना इंपोज Who has द राइट right? और कोर बेसिक्स में जाते हैं लॉ कौन बनाता है ये तो क्लियर हो गया ठीक है फर्दर चीज आपको डी के बताएगा बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब मान करके चल लो नेक्स्ट लेवल हाँ, सर अब मैं आपको बताता हूं लेवी करना चलिए कोर बेसिक्स पे जाते हैं मुझे इनकम टैक्स देना है कलेक्ट कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चलो और थोड़ा बेसिक्स में जाते हैं पहली बार डीटी पढ़ रहे हैं मैं इनकम टैक्स कहाँ पे करता हूँ जीरो से जाते हैं बहुत जीरो से मैं इनकम टैक्स पे करना है विजय को इनकम टैक्स विजय इनकम कमा रहा होगा हाँ हाँ <laughs> कैलकुलेट तो तुमने कर ही लिया होगा अब तक मेरी फीस इतनी नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने तो टीचर का इनकम कितना और ये तो एक बैच से है बोलो जल्दी से मैं जो टैक्स भरता हूं ये भरता कहां से शुरुआत करते हैं मुझे टैक्स देना है किधर जाऊं ज्यादा हो गए नहीं है बीवी सौ रुपये देती है अभी हाँ बोलो ये टैक्स भरना है किधर जाऊं किधर भरू ये अरे ट्राई करो ना गलत होगा और क्या होगा यार इनकम टैक्स रिटर्न में भरू इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भरूं और कोई जवाब बैंक में भरा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई ऐसा चलन नहीं होता तुम्हारे कॉलेज के जैसा यहाँ जाके चलन भर दो यू पे टैक्सेस इन बैंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ठीक है आप जो टैक्स पे करना होता है एक चलान भरना होता है और ये चलान आप बैंक को भरते हो और बैंक उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्रेडिट करता है वेर यू पे द टैक्स बैंक ये क्लियर है ठीक है एग्जैक्टली exactly मैं पे किसको कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सोचो मैं किसको पे कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स मैं किसको पे करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो मैं अजीत दादा को पे कर रहा हूं सॉरी फडनवीस जी को पे सॉरी ठीक <laughs> है जो भी गवर्नमेंट है अभी मस्ती की बात है एन डी गवर्नमेंट राइट नाउ राइट तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ या मुझे सेंटर को पे करना है सेंटर को पे करना है और ऐसा अपने मन से जो ये लॉ बनाया है ये आपने कहा से पढ़ा है तीन तरह के बच्चे होते हैं एक जो पढ़ाई करते हैं दूसरे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते और तीसरे होते हैं आविष्कार करते हैं <laughs> तो तुम जो कर रहे हो ना ये है आविष्कार समझ में अपने मन से हाँ सेंटर को पे कर दो अरे क्या पढ़ रहे हाँ मोदी जी अरे मोदी जी अरे करो <laughs> कोई तकलीफ नहीं हाँ तो इससे याद आया क्या मैं मोदी जी को पे कर रहा हूँ ये पैसा तो उनके जिम में जा रहा होगा हाँ हाँ अच्छा केजरीवाल जी ठीक है आ, हा, हा, हा। राहुल बाबा राहुल बाबा को पे हो रहा होगा तीनों को भी नहीं जाता पहले ये समझते हैं जाने का अधिकार दिया किसको बाद में डिसाइड करेंगे कौन लेगा अभी अधिकार कहीं लिखा है हम किसको देंगे कई एक्ट है इनकम टैक्स कौन गवर्न कर रहा है इस बात को लिखा भी है में. हर चीज़ अब सबूत के साथ चलेगी आर्टिकल नंबर 246 फोर्टी सिक्स रीड विथ शेड्यूल सेवन आर्टिकल नंबर 246 फोर्टी सिक्स रीड विथ शेड्यूल सेवन जो पावर्स है देखिए जब इंडिपेंडेंट इंडिया बना जब इंडिपेंडेंट इंडिया बना तो पावर जो है ना उसको डिवाइड किए गए सर्टन पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखे गए सर्टन पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास रखे गए और कुछ पावर बोथ ने एक्सरसाइज किए हमारे जो बाबा साहेब थे उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया उन्होंने सारा पावर सेंटर को भी नहीं दिया लोग मनमानी कर लेते थे सारा पावर स्टेट को भी नहीं दिया फिर मनमानी हो जाती थी तो कुछ जगह पे बोला हर चीज सेंटर डिसाइड करेगी कुछ जगह पे बोला हर चीज स्टेट डिसाइड करेगी और कुछ जगह पे बोला दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा भारत की अखंडता और एकता के लिए बात समझ में आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो काम दिए ये सब लिखा गया यूनियन लिस्ट के अंदर में एक लिस्ट बनाई गई जिसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट क्या कहा जाता है बोलो जल्दी से यूनियन यूनियन लिस्ट लिस्ट तो एक जगह पे लिखा गया। एक जगह जगह पे पे लिखा गया जिस सारे स्टेट के काम दिए गए इसे क्या लिखा गया स्टेट लिस्ट और तीसरा लिखा गया लिस्ट तीसरा लिस्ट कौन सी बनी बोलो जल्दी से कॉन लिस्ट इस लिस्ट के अंदर में दोनों को मिलकर काम करने हैं समझ नहीं बात जैसे अगर मान लीजिए यू नो मैटर आया टेररिज्म का तो सेंटर और स्टेट मिलके काम करता है छब्बीस ग्यारह सेंटर ने भी अपने फोर्स भेजे स्टेट ने भी अपने फोर्स लगाए तो कई जगह पे ये काम हुआ अब आते हैं बात किसके ऊपर इनकम टैक्स किसके अंदर में आ रहा है फिर हम डिसाइड करेंगे एक्जेक्टली exactly जा किसके जेब में रहा है ठीक है यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 ये एंट्री नंबर क्या है मतलब उस लिस्ट में 82 नंबर के पॉइंट पे लिखा गया इनकम टैक्स के बारे में एंट्री नंबर 82 टू टू द यूनियन लिस्ट और यहां लिखा गया टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर तो इनकम पे टैक्स लगाने का पावर अब आपसे लॉजिकली पूछता हूं किसके पास है अब बोलो किसको दे रहे हो समझ में आया आविष्कार नहीं कंसेप्ट चुली पड़ो किसको दिया जा रहा है बेटा सेंटर अब ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 ने बोला इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे काम सारा डिसीजन किसके हाथ में है सेंट्रल गवर्नमेंट बात समझ में आई सभी को हाँ या ना, ठीक है तो एंट्री नंबर 82 ने लिखा टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर अब यहां से मेरा एक सवाल उठता है कि क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता या सेंटर या के पास पावर नहीं है क्या समझ रहे हैं आप इसे सेंटर के पास पावर नहीं है इज द राइट इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लिया जा सकता लिया जा सकता है पर उसका डिसीजन सेंटर नहीं लेगा उसका डिसीजन कौन लेगा स्टेट स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर फोर्टी सिक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इज दैट डन अब इसका मीनिंग समझिए ये स्टेट डिसाइड करेगा कि उनके यहां पे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है उस पर इनकम टैक्स कलेक्ट करना है या नहीं इंडिया में अब तक गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटका ऐसे स्टेट पास्ट में रहे हैं जिनने एग्रीकल्चरल इनकम पे भी टैक्स लगाया है पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स क्या कर दिया गया हटा दिया गया तो पावर है यस लगाया जा सकता है यस लगा रहे हैं नो समझ में आ रही बात तो महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट होगा या नहीं होगा एग्रीकल्चर इनकम पे ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कलेक्शन का, का काम किसका है, सेंटर। कलेक्शन का काम किसका है सेंटर कलेक्शन का काम किसका है सेंटर का आर यू गेटिंग द पॉइंट यस तो क्या बताइए इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है यस कैसे क्योंकि हमारे पास एक एक्ट एक पास हुआ है चलो और बेसिक्स में जाते क्या एक एक्ट पास हो गया ये क्या ये एक्ट पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट द्वारा पास हुआ यस अब इसे कलेक्ट कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट समझ में आ रही बात तो अब मुझे बताइए सारा का सारा डिसीजन इनकम टैक्स से रिलेटेड कौन लेता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्मला सीतारमन जी को रखा निर्मला सीतारमन जी बिंगा फाइनेंस मिनिस्टर इनकम टैक्स के डिसीजन लेती है और समझ में आ रहा है एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 46 सिक्स टू द स्टेट लिस्ट अच्छा जी सर सर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नो टैक्सेस वापस 265 पे आओ वापस 265 पे आओ बहुत बचा है और मैं याद दिला दूं हम चार वर्ड में से एक ही वर्ड पढ़ रहे एक्ट सर क्या हाँ अब तक हम एक ही वर्ड पढ़ रहे एक्ट वापस पलट के देख लो हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स के साथ साथ क्या क्या पढ़ना है एक्ट में क्या क्या होता है एक्ट आया तो कैसे आया अब तक सिर्फ एक्ट ही पढ़ रहे अभी तीन वर्ड और है जो अगले तीन दिन में होंगे इंटर तुम्हारी इच्छा थी जानना है ले <laughs> लियो फिर चलो नो no टैक्सेस बोलो बेटा नोटैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड और कलेक्टेड और कलेक्टेड तीन वर्ड तो तोड़ दिए चौथे वर्ड पे आ जाते हैं कलेक्टेड कलेक्शन मतलब क्या कलेक्शन में इनकम टैक्स में दो वर्ड आते हैं सुनिए यहां से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं ठीक है आप बताइएगा कलेक्शन का मीनिंग क्या होगा लॉ बनाएंगे आप मैं सिर्फ आपको कुछ एक्ट करके दिखाता हूं तो बात उन दिनों की है बात बात उन दिनों की है जब जब मेरा भाई नाम क्या भाई तेरा हाँ धवल तो धवल अपने घर में सो रहा था धवल अपने घर में क्या कर रहा था सो रहा था इतने में घर की बेल बची टिंग डोंग धवल उठा कपड़े पहना आई मीन धवल उठा पूरे कपड़े पहना आया गेट खोला <laughs> इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप क्या रेड पड़ेगी धवल <laughs> बाजू सीधा उसके बेडरूम में और जाते ही पूरी चद्दर बिखरी पड़ी थी अचानक ध्यान बेड के नीचे गया क्या देखा एक बॉक्स रखा है बॉक्स बाहर निकाला गोल्ड के बिस्किट्स इतने में बाथरूम से कुछ आवाज आई बाथरूम के पास गया और बाथरूम बोल के पानी तो चालू ही था पर उसके बाजू एक अलमारी थी छुपी हुई उसके अंदर से निकले प्रॉपर्टी के पेपर्स वहां पर एक पर्दा था तब था एक अलमारी बनी थी मैं रिमाइंड करवा दूँ हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे और जो तुम ढूंढ रहे हो वो मिलेगा नहीं <laughs> अबे रेड पड़ी है और हर रेड वो रेड नहीं होती इनकम टैक्स का रेड है ब्रो पुलिस का नहीं सर वहां पे एक और बॉक्स मिला वहां से ज्वेलरी मिली बाहर आए पर्दे के पीछे कोई था शायद पर्दा हटाया कई सारे स्टैचूज मिले ऐसे इतने में धवल ए, 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 मालूम है क्या कौन मैं किसके घर पे किससे पूछ के आए क्या? क्या हो यहां कर सकता हूं इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर पे रेड़ पड़ी है एक मिनट पर्सनल प्रॉपर्टी है मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है मेरा किधर से आए तुम संग कौन है मैं क्या कर सकता हूं वांदे होइन तुझे वांदे <laughs> सर हमें राइट है अरे किधर से आया राइट किसने दिया राइट सर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया अरे कौन सा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन <laughs> सर कॉन्स्टिट्यूशन से राइट है हमें अंडरस्टैंड वेन आई से कलेक्शन इट मीन्स वॉलेंट्री कंप्लायंस बाय द टैक्स पेयर

कलेक्शन और बोलो बेटा रिकवरी तो आपके पास रिकवरी के भी राइट है आप जब मेरे साथ सी ए फाइनल सी एम ए फाइनल में, में होंगे तब हम डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर है रेड इतना शानदार मजा आता है ना उसके अंदर में ये सारी चीजें जो निकली ना इसके घर से इसका क्या होगा वहां देखेंगे जो चीजें निकली उसके साथ आपको क्या करना है वहां देखेंगे पर वो नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं वो कभी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे तो सर कलेक्शन कलेक्शन का मतलब होता है प्यार से कलेक्शन नहीं तो रिकवरी सो डू इनकम टैक्स ऑल्सो है पावर हैज बिन असाइन नंबर यूनियन लिस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है पहले आपसे प्यार से मांगेंगे प्यार से दिया तो ठीक नहीं तो रेड करके भी ले लेंगे समझ में आई बात सो वेन आई से कलेक्शन कलेक्शन मीन्स कलेक्शन एज वेल एज द पावर ऑफ रिकवरी आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव पे चलते हैं नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ बराबर है यानी जब तक कोई लॉ पास नहीं हो जाता ये लॉ कोई अथॉरिटी पास नहीं कर देती ना तो इम्पोज किया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है क्या टैक्सेस तो ना कोई टैक्स कलेक्ट किया जाएगा ना कोई टैक्स इंपोज किया जाएगा जब तक कोई अथॉरिटी किसी लॉ को पास ना कर दे तो क्या इनकम टैक्स पास हुआ है किसी अथॉरिटी द्वारा यस yes. इसलिए वो लेवी भी करता है और इसलिए वो इम्पोज भी करता है और कलेक्ट भी करता है इसलिए इनकम टैक्स में रेड नाम की चीज भी आती है हाँ या ना अंडरस्टैंड करते हैं हाउ लॉ वर्कस हाउ लॉ वर्क्स अच्छा एक अच्छी चीज़ दिखाऊं आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ये भी सोचे यार ये डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन ये वो पढ़ाने की जगह ये आदमी इतना क्यों कोर बेसिक्स में जा रहा है आपके मन में आ सकता है और मैं आपको बताऊं बहुत सारी जगह इंडिया में ऐसा भी होगा कि डायरेक्ट पहले दिन से जा करके पर्सन क्या है एस क्या है विदाउट गोइंग इन टू बेसिक्स बट बिलीव मी माई फ्रेंड ये मैं अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ मॉड्यूल इज भगवद गीता ये मॉड्यूल आपका जनहित में जारी नया मॉड्यूल है आपका और ये जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं पहला टैक्सेस वाई टैक्सेस आर लेविड पावर टू लेवी द टैक्स कहीं दिख रहा है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री नंबर 82 टू तो टू द यूनियन लिस्ट दिख रहा है फिर ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन टैक्सेशन में क्या क्या आएगा इनकम टैक्स एक्ट सर्कुलर नोटिफिकेशन रूल्स लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट दिख रहा है जितनी चीज़ें चल रही है वो सारी की सारी एज पर मॉड्यूल चल रही है और ऐसी ही चलेगी मेरा कोई शॉर्ट में काम करने का मूड नहीं है आपका होगा मेरा नहीं है पढ़ना है तो पूरा डिटेल में पढ़ना ये देख लो ये सब कुछ दिया है एक्ट में कितने सेक्शन है कितने शेड्यूल है क्या है सब कुछ दिया है सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज एक एक वर्ड दिया है ये देखो अब तक तुम मॉड्यूल के कितने पेज पे पहुंचे हो छे समझ में आई बात तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो इेलिवेंट है या तुम्हारे लिए काम का नहीं है सब कुछ वो है एक्ट एक्ट के बाद क्या है बेटा रूल्स दिया है नीचे आओ फिर फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट हम आगे पढ़ते हैं राइट right? पर कवर होता है ये पूरा का पूरा फिर सर्कुलर क्या होता है नोटिफिकेशन क्या होता है लीगल डिसीजनस कैसे आते हैं फिर बेसिस ऑफ चार्ज ये सब कुछ वो है जो आपके मॉड्यूल में दिया है एक भी कॉन्टेंट ऐसा नहीं जो इिलेवेंट जाएगा या अन्य बट मैं कोई भी चीज़ मिस करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं एक एवरेज बच्चा हूँ तो उसी एंगल से हम पढ़ेंगे उतने ही डिटेल्ड में जाएंगे और मॉड्यूल पूरा का पूरा कवर रहेगा टेंशन नहीं लेना रोज बताऊंगा अब इधर सुन कहा था मैं हाउ लॉ वर्क आखिर कोई भी एक्ट बनता है तो वो वर्क कैसे करता है अंडरस्टैंड कीजिएगा कुछ व्यक्ति होंगे जो लॉ बनाएंगे कुछ व्यक्ति वे होंगे जो इसे इंप्लीमेंट करेंगे और कुछ व्यक्ति होंगे जो इसे इंटरप्रीट करेंगे हाउ लॉ वर्स अब आज सुबह से जितना पढ़ा इन सब को देखो मैं मिक्स करता हूँ अगले पंद्रह मिनट में जितना सुबह से पढ़ाया हूँ इन सब को अगले पंद्रह मिनट में मिक्स करूंगा हाउ लॉ वर्क आखिर इंडिया में कैसे पता चलता होगा कि लॉ बनाना क्या है कैसे पता चलता होगा लॉ में चेंज क्या करना है कैसे पता चलता होगा राइट इंटरप्रिटेशन क्या है तो कोई भी लॉ कोई भी लॉ बीट जीएसटी बीट इनकम टैक्स बीट कंपनी लॉ कोई भी लॉ इंडिया में जो वर्क करता है वो तीन बेसिक पिलर्स पे वर्क करता है कितने पिलर्स पे तीन बेसिक पिलर्स पे पहले वो जो लॉ को बनाते हैं पहले वो जो क्या करते हैं बेटा लॉ को बनाते हैं दीज आर कॉल्ड एज लॉ मेकर्स दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, लॉ इंप्लीमेंटर्स और तीसरे वो जो इस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं लॉ इंटरप्रिटर्स पहले होते हैं लॉ मेकर्स हु मेक्स लॉ इन इंडिया इंटरलिंक हु मेक्स लॉ इन इंडिया एम ओ एल जे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सो एम ओ एल जे मेक्स क्या बेटा बिल बराबर है कि नहीं बराबर है बिल कहा जाता है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यस इसके बाद इसको क्या मिलता होगा प्रेसिडेंट असेंट और तब जाके ये क्या बनता होगा एक्ट इसका और डिटेल अब भी बिल्कुल सवा ग्यारह बजे आपको डीके बता देगा तो कोई भी लॉ जो बनता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसका बेयर लॉ बनाती है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाता है प्रेसिडेंट असेंट मिलता है और फिर यह क्या होता है एक्ट बनता है इनकम टैक्स में इसका इतना ही जरूरत है अब लॉ इंप्लीमेंट होता होगा सोच के देखो इंप्लीमेंट करने के लिए दो बॉडी बनाई गई है डोंट यू थिंक चलो बेटा रिकॉल करो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया याद आ रहा है क्या कुछ गवर्नमेंट के अंदर में क्या होगा बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में क्या होगा बेटा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कितने पार्ट में डिवाइडेड होगा बेटा दो भैया लॉ मेकर ने लॉ बना दिया लेकिन इस लॉ को चलाने के लिए कोई बॉडी चाहिए तो दो लॉ चीज बनी कौन बनी पहला बना सीबीडीटी दूसरा बना सीबीआईसी समझ में आ रही बात तो दो चीजें बनी सीबीडीटी एंड सीबीआईसी अब सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है बोलो बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीडीटी क्या हैंडल करता है बेटा डी टी सी बी आई सी क्या हैंडल करता है आई डी टी एक जगह वी e एस एक जगह वाई एम बताइए ये लोग क्या करते होंगे डोंट यू थिंक रिकॉल ये लोग क्या बनाते होंगे रूल्स ये लोग क्या लाते होंगे नोटिफिकेशन कुछ याद आ रहा है क्या ब्रो ये लोग क्या लाते होंगे सर्कुलर और यही लोग वो होते होंगे जो क्या चेंज करते होंगे सजेशंस देते होंगे लॉ मेकर को कि क्या चेंज करना है क्योंकि अंडरस्टैंड करना लॉ मेकर ने तो लॉ बना दिया लेकिन जब लॉ इंप्लीमेंट करते हैं तब समझ में आता है कि तकलीफ क्या है जैसा कि थ्योरी कोई भी पढ़ा देगा पर अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो तुमको समझ नहीं आएगा एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है

इनको भी आप क्या कीजिए इंक्लूड कीजिए समझ में आ रही बात अभी जैसे मैं आपको एक बात बताऊ पिछले साल ना एक लॉ था कि भैया अगर सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा तो जो टैक्स कटेगा वो हायर रेट पे कटेगा अब इसमें लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया पर जब इंप्लीमेंट करने गए उन लोगों का टैक्स हायर रेट पे काटा जिसने रिटर्न नहीं भरा वो लोग सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो गए उन्होंने बोला एक मिनट आपने कहा अगर हमने रिटर्न नहीं भरा तो हमारा टैक्स ज्यादा रेट पे कटेगा पर व्हाट इफ हमें अगर टैक्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तो तब हम क्यों रिटर्न भरेंगे जबरदस्ती में लॉ मेकर को समझ में आया लॉ लिखते टाइम क्या हो गया गड़बड़ फिर उन्होंने क्या किया सजेशन दिए और अगले साल फिर क्या बना इसमें अमेंडमेंट तो लॉ मेकर लॉ बना देते हैं इंप्लीमेंट करने जाते तब समझ में आता है एक्चुअल गड़बड़ गड़बड़ है तो जब समझ में आती वो लोग रूल्स में चेंज करते नोटिफिकेशन लेके आते सर्कुलर लेके आते या फिर बड़ा चेंज है तो अगली बार लॉ मेकर को सजेस्ट कर देते जो अगले साल क्या लेके आते अमेंडमेंट समझ में आया लॉ कैसे वर्क करता होगा बनाने वाले ने बना दिया मम्मी ने खिचड़ी बना दी खाते टाइम समझ में आया नमक कम है देन यू विल सजेस्ट चेंजेस इंप्लीमेंटेशन में समझ में आता है क्या गड़बड़ हुई है समझ में आ रही है बात अच्छा अब लॉ होते हैं यस yes, क्या पॉसिबल है डिपार्टमेंट का व्यू और टैक्स पेयर का व्यू सेम होना चाहिए या अलग अलग हो सकता है अलग अलग हो सकता है ये yes नो no? जैसा हमारा एग्जाम्पल था अंडरटेकर का डिपार्टमेंट बोलता है ये रेसिडेंट पे ही होना चाहिए अंडरटेकर बोलता है ऐसा कैसा लिखना चाहिए था तुमने ये सो नो तुमने लिखना चाहिए था क्लियर लिख देते तो तकलीफ नहीं होती मतलब इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ गए यस yes. so, interpreter, सो लॉ इंटरप्रिटर लॉ इंटरप्रिटर कौन से होते हैं बेटा लॉ इंटरप्रिटर का लिए काम करते हैं टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन असेसी एंड डिपार्टमेंट तो असेसी और डिपार्टमेंट के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो इस झगड़े को कौन सॉल्व करता है लॉ इंटरप्रेटर्स इसीलिए कोर्ट आता है जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है आदमी क्या बोलता है आई विल फाइल अ सूट आई विल फाइल अ सूट और एक थर्ड पर्सन आर्बिट्रेटर बीच में आके बैठता है कि तेरा इशू क्या है तेरा इशू क्या है सही कौन है समझ में आ रही बात कौन है ये लोग कहां से आते हैं ऐसे लोग ये बात का सोल्यूशन कौन देता है कोर्ट के कौन है और कहां से आए हैं अच्छा तो सबसे पहले जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता होगा अंडरस्टैंड कीजिएगा थोड़ा सा फाइनल का कंसेप्ट आपको यहां पढ़ना है मान लीजिए ये डिपार्टमेंट और मैं एस एस सी मैं टैक्सपेयर ये डिपार्टमेंट हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए मैं पहले क्या करूंगा क्या मैं डायरेक्ट कोर्ट चले जाऊंगा इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कोर्ट चले गए यहां पे सबसे पहले आप करेंगे अपील एप्पल मत लिखना अपील सबसे पहले आप जाते हो अपील इनकम टैक्स का अपना एक डिस्प्यूट है है फाइनल फाइनल में आपको एक चैप्टर आता है, अपील ये वहां पढ़ेंगे कि आप सबसे पहले उनके पास जाते हो हो उनको बताते हो कि आपका ऑफिसर जो है ना ये बहुत नालायक है हमारे को इससे प्रॉब्लम है ये पहला अपील में सॉल्व होता है अपील से भी नहीं हुआ तो ट्राइब्यूनल में आप जाते हो जिसको आप ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल दो वर्ड से बोलते हो जैसा जिसका एजुकेशन हुआ होगा ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल दोनों वर्ड बोला जाता है अभी क्या होता और बनाया क्यों गया? तो in ये बहुत ऑक्यूपाइड है मतलब इनकम टैक्स तो बहुत छोटा इशू हो गया कतल मर्डर ड्रग्स टेररिज्म ऑलरेडी इतने केसेस है इनकम टैक्स तो मतलब ऐसा समझो लास्ट वाली चीज है जो शायद हैंडल होती होगी अब पर इशू तो इशू है ना इसीलिए कोर्ट में इससे पहले अपने सोल्यूशन बनाए गए ताकि कोर्ट पे प्रेशर ना बढ़े इसीलिए ट्रिब्यूनल बनाया गया और ट्रिब्यूनल से भी नीचे क्या बनाया गया अपील तो पहले अपील में सॉल्व कर लो अपील में सॉल्व नहीं हो रहा कहां चले जाओ ट्रिब्यूनल में चले जाओ ट्रिब्यूनल में भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कहां जाओ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में भी सॉल्व नहीं हुआ तो कहां जाओ सुप्रीम कोर्ट तो इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट कोर्ट में चले गए नहीं डीटी में ऐसा नहीं होता जीएसटी में ऐसा नहीं होता आपको पहले अपील में जाना पड़ता ताकि डायरेक्ट कोर्ट्स पे बर्डन ना पहुंच जाए इसलिए अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाए गए तो पहले जब भी झगड़ा झगड़ा होगा तेरा मेरा हुआ पहले कहां जाएंगे अपील अपील से भी सॉल्व नहीं हुआ फिर कहां जाएंगे ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल से भी सॉल्व नहीं, नहीं हो रहा फिर कहां जाएंगे हाई कोर्ट वहां से भी सॉल्व नहीं हो रहा फिर कहां जाएंगे सर मेरे को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का है नहीं जा सकते अरे मैं जाएगा नहीं जा सकते सर मेरे को अरे नहीं जा सकते है, नहीं जा सकते पहले कहा जाना है अपील फिर कहा जाओगे ट्राइब्यूनल फिर कहा जाओगे, जाओगे सुप्रीम अच्छा अब समझो लॉ कैसे काम करता होगा कैसे समझ में आता होगा कि अगले साल लॉ में क्या चेंज होना है लॉ मेकर सबसे पहले लॉ बना देते होंगे उसे इंप्लीमेंट करते होंगे इंप्लीमेंटेशन में समझ में आता होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है यह सही नहीं हो रहा है या कोर्ट को समझ में आता होगा जो लॉ बना वो वैसा नहीं बना या वैसा इंटरप्रिट नहीं किया गया जैसा इंटरप्रिट करना चाहिए था जैसे 2000 के नोट अब प्रिंटिंग में नहीं होंगे तो लोगों ने समझा 2000 के नोट को क्या कर दिया बंद जबकि इंटरप्रिटेशन का क्या था 2000 के नोट चालू रहेंगे हम सर्कुलेशन से इसको बाहर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ पांच के जैसा कि अब ये लीगल टेंडर ही नहीं है उन्होंने ये गलती करके समझ लिया कि भैया ये, ये लीगल टेंडर नहीं बनाया लोगों में हाहाकार मच गया तो 2000 के नोट को जब बाहर किया इन्होंने बहुत समझदारी दिखाई इन्होंने बोला छह महीने तक के ये लीगल टेंडर माने जाएंगे उसके बाद हम इसको सर्कुलेशन से आउट कर देंगे इसीलिए 2000 के नोट करते वक्त भारत में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि पहले इंटरप्रिटेशनल इश्यूज थे समझना है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पहले इंटरप्रिटेशनल इशूज थे कि भैया कल से ये नोट लीगल टेंडर ही नहीं है इसलिए एकदम से हाहाकार मच गया पर 2000 के नोट में इतना तकलीफ नहीं आया क्यों उन्होंने बोला हम 6 महीने तक केस को रखेंगे ये लीगल टेंडर है इस तारीख के बाद हम इसे लीगल टेंडर नहीं मानेंगे तो पहले लोगों ने क्या करा दिया चेंज समझ में आया तो इंटरप्रिटेशनल इश्यूज अब इंप्लीमेंटर्स कुछ सजेस्ट करते हैं इंटरप्रेटर्स कुछ सजेस्ट करते हैं अगले साल यही क्या बनते हैं अमेंडमेंट्स दैट्स हाउ लॉ वर्क कोई भी लॉ इंडिया में ऐसे काम करता है और इनकम टैक्स भी ऐसे ही काम करता है आर यू गेटिंग द पॉइंट तो हाउ लॉ वर्क ये क्लियर है ब्रो चलो सर हम कहा हैं आर्टिकल 265। वापस आओ सर हम कहा हैं आर्टिकल टू अभी कुछ बच्चे आए बोले हमको डेमो देखना है देखो अंडरस्टैंड डीटी इतना बड़ा है ना कि यहां पे डेमो कुछ नहीं होता है यहां पे सीधा कोर कंसेप्ट चालू होता है समझ में आया पर हां ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप उतने बेसिक से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि शब्द ही पहली बार सुन रहे हो तुम ठीक अब हम लोग आर्टिकल पढ़ो जरा नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड स्टॉप लेवी और कलेक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए और इंटरप्रेटर भी चाहिए समझ में आया तो इनको एक्चुअल फंक्शन करने के लिए सीबीडीटी और कोर्ट्स की जरूरत थी समझ में आई बात तो नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ अब इसको अगर मैं और तोड़ने जाऊं तो अगर कोई भी लॉ बनेगा तो ही टैक्स कलेक्ट हो पाएंगे ये लॉ कोई अथॉरिटी पास कर पाएगी तो आप इंपोज कर पाओगे या कलेक्ट कर पाओगे या दोनों कर पाओगे लेकिन हम किस बारे में बात कर रहे हैं टैक्सेस हम किस बारे में बात कर रहे हैं टैक्सेस चलो अब हम दूसरा वर्ड ओपन करने जा रहे हैं एक्ट का सब कुछ पढ़ लिया हमने एक्ट में क्या क्या पढ़ा पहला एक्ट क्या होता है एक्ट के साथ क्या क्या पढ़ना है एक्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है फिर एक्ट में चेंजेस आते हैं तो कैसे आते होंगे पहले लॉ मेकर लॉ बनाता होगा फिर इम्प्लीमेंटर इंप्लीमेंट implement करता होगा तब उसको समझ में आता होगा गड़बड़े या इंटरप्रेटर को समझ में आता होगा कि लिखते वक्त गड़बड़ हुई है फिर ये लोग क्या करते होंगे एक्ट में सजेस्ट करते होंगे अब दूसरा वर्ड जो आर्टिकल टू से मिला और हमारे पास भी है वो वर्ड क्या है बेटा टैक्स अब मैं दूसरे वर्ड को डिस्कशन करने जा रहा हूं टैक्स वाओ टैक्सेस नो टैक्सेस यानी वहां से ये वर्ड मिला और हमारे दूसरे वर्ड का डिस्कशन भी टैक्स ही है जैसा कि मैंने कहा दो दिन तक ये चलता रहेगा चार दिन इन टोटल सर सर सुनिए ना टैक्सेस और ड्यूटीज तो सेम ही होगा ना देखो हमने रियल लाइफ में क्या पढ़ा है कस्टम ड्यूटी इनकम टैक्स तो या तो इनमें कोई चेंज है या तो कोई चेंज नहीं है जिसमें जो मूड आए लगा लो की फर्क है कुछ भी लगा लो क्या फर्क पड़ रहा है या तो कोई डिफरेंस है जो इसको समझना पड़ेगा मैं तो बोलता हूं दोनों सेम है बोलो हां टैक्स और ड्यूटीज दोनों सेम है हा यहां नहीं सर कुछ तो अलग लग रहा है देखो कस्टम के आगे हम क्या वर्ड यूज करते थे ड्यूटी एक्साइज के आगे हम क्या वर्ड यूज करते थे ड्यूटी पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटी मतलब ब्रो कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों में कुछ कोर बेसिक डिफरेंस है कब ड्यूटी लगाना कब टैक्स लगाना एनी वन रफ आइडिया गलत आंसर अप्रिशिएबल ड्यूटी और टैक्स सेम है ये मेरा ऑप्शन है आपका कोई दूसरा ऑप्शन है मैं बोलता हूं सेम है नहीं तो सेम लिख के खत्म करते हैं सेम लिख के खत्म करें हाँ जी जूरिस्डिक्शन के अंदर रहेगा तो टैक्स जूरिस्टिक्शन के बाहर रहेगा तो ड्यूटी विच डिक्शन इंडिया हाँ तो इंडिया में रहेगा तो टैक्स इंडिया के बाहर का चीज रहेगा तो ड्यूटी जैसे कस्टम ड्यूटी ऐसा एक इंटरप्रिटेशन है ये एक्सेप्ट कर ले तेर से बात कर रहा हूं मैं यहां पर थोड़ो लोग थोड़ी थोड़े बैठे पागल सुन तिर से तिर से बात कर रहा हूं मैं ड्यूटी और टैक्स सेम है ठीक है अरे ब्रो ठीक है हाँ अब जवाब दिया ना तुमने सर फिर ऐसा आशिकु साहब समझिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ इधर इससे तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे कर रहा हूँ तो कुछ तो जवाब आना चाहिए या तो हाँ होगा या तो ना होगा या तो सर बताओ होगा आ, हाँ, हाँ, मस्त ना मस्त हे चांगले जमले तुम्हारा हाँ सर, ड्यूटीज और टैक्सेस अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक डिफरेंस हम कहीं पे भी वर्ड ड्यूटी यूज करते हैं जहां पे सब्जेक्ट मैटर गुड्स हो अगर सब्जेक्ट मैटर सिर्फ गुड्स है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं ड्यूटी वर्ड यूज करते हैं तो ड्यूटी जो है ये बहुत ही नैरोप्ट है क्योंकि ये सिर्फ गुड्स पे लगता है जहां सब्जेक्ट मैटर सिर्फ गुड्स नहीं है सर्विसेज भी होगा अदर देन गुड्स होगा जैसे इनकम टैक्स इसमें गुड्स का कोई काम ही नहीं है जरूरी थोड़ी ना गुड्स बेच के ही इनकम आए इनकम तो बहुत सारी सर्विसेज से भी आ सकता है ना बात समझना गुड्स बेच के ही थोड़ी ना आएगा सर्विसेज दे के भी तो आ सकता है ना फॉर एग्जाम्पल सलून आप स्पा समझ रहे थे मैं सलून की बात कर रहा हूं Salon में बाल काट करके सर्विसेज़ है कोई गुड्स बेच के पैसा थोड़े ना आ रहा यानी यहाँ पे कोर सब्जेक्ट मैटर क्या नहीं है गुड्स तो टैक्स जी सर आ आवाज वापस तो जहां सब्जेक्ट मैटर सिर्फ गुड्स है वहां पे हम क्या बात करते हैं ड्यूटीज नैरो वर्ड पर जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिर्फ गुड्स नहीं है जैसे अगर आप देखेंगे जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं कोई गुड्स आपको डिलीवर कर रहा हूं लेट्स से जोमैटो बराबर है यानी अब इसमें देखिए दो एक्टिविटी है पहला कहीं से गुड्स लेके आपको देना और दूसरा डिलीवरी एज अ तो यहां सर्विस सिर्फ गुड्स मैटर है क्या नहीं यहाँ पे क्या आ जाता है टैक्सेस गुड्स एंड सर्विस ड्यूटी नहीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सो टैक्स इज अ मोर वाइड वर्ड देन ड्यूटी ड्यूटी इज अ वेरी नैरो वर्ड क्योंकि ये सिर्फ गुड्स के साथ डील करता है अगर आप देखेंगे ऑक्ट्राइड ड्यूटी अब ये लगता ही तब था जब आप किसी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते थे ऑक्ट्राइड ड्यूटी पर ड्यूटी उन्हीं चीज पे लगती थी जो गुड्स क्लासिफाई होते थे समझ में आ रही है बात आपको गुड्स होना बहुत जरूरी है तो जहां सब्जेक्ट मैटर सिर्फ गुड्स होगा वहीं हम क्या करेंगे ड्यूटी रखते हैं बाकी सब्जेक्ट मैटर जहां सिर्फ गुड्स नहीं है तो वहां पे हम लोग स्ट्रेट अवे वर्ड क्या यूज करते हैं टैक्सेस एंड टैक्सेस इज अ मच वाइडर वर्ड चाहे ये ड्यूटी हो चाहे ये टैक्सेस हो डेंट मैटर बोथ आर अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट बोथ आर अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट यस सो ड्यूटीज इज ऑन गुड्स ड्यूटीज इज ऑन बोलो बेटा गुड्स इट इज अ अनेरो कंसेप्टरो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड चीज पे है दिस इज ऑल्सो कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेस इज अ ब्रॉडर टर्म इट इज कलेक्टेड बाय अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मैं कह सकता हूं बोथ आर रेवेन्यू टू गवर्नमेंट चाहे वो ड्यूटी से आए चाहे वो टैक्सेस से आए फर्क नहीं पड़ता दोनों भी इनकम डिपार्टमेंट uh, के लिए इनकम ही है बट दोनों के बीच में मटेरियल डिफरेंस इतना है कि एक सिर्फ गुड्स पे लगता है और दूसरा अदर देन गुड्स के किसी भी मैटर पे लग सकता है इनकम सर्विस गुड्स एंड सर्विस जहां कंपोनेंट इन्वॉल्व है अब जैसे अगर आप देखेंगे हम लोग मेनली क्या दे रहे हैं एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज इसीलिए हमारी जो इनकम होती है इस पे इनकम टैक्स लगता है जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है ये गुड्स भी दे रहा है और इसमें सर्विस एलिमेंट्स भी है इसमें क्या है बेटा सर्विस एलिमेंट्स भी है यहाँ पे टैक्सेस होता है फॉर एग्जाम्पल मैंने किराना की दुकान है किसी लेडी ने फोन किया हमारे यहाँ इतनी चीजें भिजवा दीजिए तो मैंने गुड्स तो बेचा ही साथ साथ में सर्विस का एलिमेंट भी लाया है यहाँ पे ये yes सोनो no? इसीलिए वहां पे वर्ड क्या यूज हो जाता है बॉर्डर टर्म टैक्स हाँ या ना अब आप ये पूछेंगे कि सर टैक्स और ड्यूटी के बीच का वर्ड तो क्लियर है अब ये बताइए टैक्स के टाइप कितने हैं टाइप ऑफ टैक्सेस हम्म तो भैया कितने प्रकार है बोलो ना भैया कितने प्रकार है दो पहला दूसरा डायरेक्ट टैक्स के लिए बॉडी इंटरलिंक करो डायरेक्ट टैक्स के लिए बॉडी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बॉडी बोथ आर कवर्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज कवर्ड अंडर मिनिस्ट्री 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 ऑफ़, ऑफ़ ऑफ़ फाइनेंस इज़ वन हेल्ड बाय इंटरलिंकिंग हुआ पूरा चलो अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे दो प्रकार के डिटेल्स थी भाई साहब एक था डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स इसको हैंडल करता है सीबीडीटी इसको हैंडल करता है सीबीआई सी चलिए जी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स अब, अब अंडरस्टैंड करते हैं इन दोनों के बीच का कोई डिफरेंस ये है सर डायरेक्ट टैक्स इज ए पर्सनल टैक्स एन इन डायरेक्ट टैक्स इज एन इम्पर्सनल टैक्स लेटर्स अंडरस्टैंड दिस ठीक है मैंने कोई चीज आठ रुपए में खरीदी दो रुपए का प्रॉफिट कमाया और दस रुपए में बेच दी जब मैं दस रुपए की कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं जेनुनली सोचिए क्या वो दस रुपए में बेचता हूं या इस पर जीएसटी ऐड कर देता हूं जीएसटी ऐड कर देता हूं सपोज मैंने क्या किया अठारह टक्के का जीएसटी ऐड किया वन पॉइंट एट रुपीज टोटल सेल वैल्यू बनेगा इलेवन पॉइंट एवरीबडी लेट मी अगेन रिकॉल दो रुपए सेल वैल्यू रखा दस रुपए में नहीं रखता हूं जीएसटी तो ने क्लास की फीस के साथ क्या पे किया जीएसटी समझ में आई बात तो कोई भी एम पे हम लोग क्या लगाते हैं जीएसटी लगाते हैं ग्यारह रुपए अस्सी पैसे पे देना है दस रुपए पे देना है दो रुपए पे देना है या आठ रुपए पे देना है मुझे इनकम टैक्स कितने पे देना है एग्जाम्पल एक बार फिर से रिपीट करूं हां एट रुपीज में आई परचेज द प्रोडक्ट इन टेन रुपीज आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ टू रुपीज विथ टेन रुपीज आई इंप्लीमेंटेड एटीन परसेंट जीएसटी तो टोटल सेल वैल्यू बना एटीन पॉइंट इलेवन पॉइंट एट यू टेल मी इनकम टैक्स कितने पे देना है इलेवन पॉइंट एट टेन टू या एट ऑब्वियसली टू बिकॉज अंडरस्टैंड ये जो वन पॉइंट एट्टी रुपीज कलेक्ट कर रहा हूं दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम पर्सनल टैक्स इट इज कलेक्टेड फ्रॉम अनादर पर्सन एंड पेड टू गवर्नमेंट तो हम यहां पर सिर्फ कैटलिस्ट बोल के काम करते हैं जहां पर हम दूसरों से टैक्स कलेक्ट करके किसको दे देते है? सरकार को तो आपने जो फीस के साथ जीएसटी भरा किसी भी अकेडमी के अंदर में तो वो उनका इनकम नहीं हुआ वो सिर्फ आपसे लेकर के किसको दे रहे हैं गवर्नमेंट यानी अब मैं आ गया फिर से दस रुपए पे एक रुपए अस्सी पैसा तो किसके पास जाएगा गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ जीएसटी अब मैं दस रुपए पे आ गया इस दस रुपए में से क्या मैं दस रुपए पे टैक्स भरूंगा नहीं मुझे इनकम पे टैक्स भरना है इनकम कब होगी ग्रॉस रिसीट माइनस एक्सपेंसेस मेरा ग्रॉस रिसीट है? दस, कितना है दस इसमें से एक्सपेंसेस कितना है आठ तब जाके मेरी नेट इनकम कितनी बनी दो इस दो पे मुझे टैक्स भरना है ये मेरी पर्सनल लाइबिलिटी है ये मुझे ही भरना है मेरे जेब से इनडायरेक्ट टैक्स मैं दूसरे से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता हूँ डायरेक्ट टैक्स मुझे खुद को देना होता है इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स नहीं चुपता इनडायरेक्ट टैक्स कभी नहीं चुपता क्योंकि मेरे को उसमें लेन देन ही क्या है मेरे को दूसरे से लेना है गवर्नमेंट को देना है मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स कभी नहीं चुपता जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स प्लानिंग होती है वो क्या है

समझना है दो रुपए बहुत मुश्किल इमेजिन आपके घर पर कोई बुआ आई उन्होंने सौ रुपए दिया मम्मी आ करके सिर्फ इतना कहती है वो सौ रुपए में से पचास छोटे भाई को दे नहीं <laughs> अरे नहीं नहीं दे दे उसको तेरा भाई है ना ऐसा करे देना उसको पचहत्तर को सौ मिले ना मैं नहीं देगा उसने क्या किया बुआ आई थी तो खेलने चले गया था मैं समोसा लेके आया मैंने गाली खाई मेरे को पूछा गया कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है पचास रुपए दे में उसको चुभता क्या है जब आपसे कुछ निकले समझ में आ रहा है क्या तब नहीं चुभता हाँ बुआ उसको बाहर जाते थे दे के गए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पर आपके सौ में से अगर बीस देने बोला आपको चुभेगा सो कम ऑन डायरेक्ट टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स वेर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज अ अम्पर्सनल टैक्स इमपर्सनल टैक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम कहा है पर्सनल क्योंकि वो तुम्हारे जेब से जाएगा गॉट इट दूसरी चीज डायरेक्ट टैक्सिस जो होता है इसका जो मोड़ होता है ये होता है हमेशा प्रोग्रेसिव बेसिस पे इनकम टैक्स जो लगता है ये हमेशा प्रोग्रेसिव बेसिस पे लगता है पूछो ना प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव मतलब progressive मतलब हायर द इनकम हायर द टैक्स वापस बोलो कम अगेन हायर द इनकम हायर द टैक्स कम ऑन कम अगेन हायर द इनकम हायर द टैक्स जितनी ज्यादा इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आप टैक्स पे करते जाएंगे ये प्रोग्रेसिव बेसिस पे होता है ये yes? तो विजय सारडा या अमिताभ बच्चन टैक्स ज्यादा कौन पे कर रहा होगा अमिताभ बच्चन सर समझ में आ रही है बात क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा होगी विजय सारडा सलमान भाई सलमान भाई ज्यादा टैक्स पे कर रहे होंगे आर यू गेटिंग द पॉइंट और नो तो विजय सारडा डी के एडी जेड आर जेड्रा समझ में आया तो वो ज्यादा क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है समझ में आई बात ये हो गया प्रोग्रेसिव बेसिस लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव बेसिस पे होता है रिग्रेसिव बेसिस का मतलब क्या है कॉमन टू ऑल अब अगर हम एक दस रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे मुकेश अंबानी जी भी उस दस रुपए के ऊपर उतना ही जीएसटी देंगे जितना आप देंगे वो रिग्रेसिव बेसिस पे है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बदलेगा एंड सारे पर्सन के लिए कॉमन रहेगा पर इनकम टैक्स सबके लिए कॉमन नहीं रहेगा जैसे आप सबके लिए इनकम टैक्स जीरो है बिकॉज आपकी इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एक्सम्शन लिमिट पर हमारे लिए है समझ में आ रही बात आपके डैड के लिए है आपके मॉम के लिए है क्योंकि पर्सन टू तो पर्सन वो बदल रहा है प्रोग्रेसिव बेसिस पे है पर आप सभी लोग जब पार्ले जी खरीदेंगे आप खरीदें या आपके डैड खरीदे दोनों के लिए जीएसटी उसके ऊपर कैसा रहेगा सेम क्योंकि वो रिग्रेसिव बेसिस पे है दोनों तो का बेसिक डिफरेंस समझ में आया तो डायरेक्ट टैक्सेस कैसा टैक्स है बेटा इट्स बोलो बेटा इट्स अ Personal tax. It's a personal tax. Indirect tax is a impersonal tax paid by person directly. Collected from another person and paid to government. It is progressive in nature, that is, higher the income. Higher the tax, it is regressive in nature. That is common to all. मेरी हैंडराइटिंग सुधर गई है ना फाउंडेशन वालों मेरी हैंडराइटिंग सुधर गई है ना आज पहला दिन है इसलिए तुम्हारी जैसे पहले दिन बहुत अच्छे से रजिस्टर बनाओगे मजा तो तब आए जब अंत तक के चल जाए सो इट इज प्रोग्रेसिव इट इज रिग्रेसिव कॉमन टू ऑल जी सर इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या क्या है एज ऑफ नाउ तो सर मेनली दो ही चल रहे हैं एक है जीएसटी दूसरा है कस्टम ड्यूटी कोई भी चीज जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी आता है तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो किया जाता है यस yes? जैसे एप्पल का आईफोन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी और इंडिया से ही खरीद के आप बेच रहे हैं क्या पे करना पड़ेगा जीएसटी समझ में आ रही बात तो ये हो गया आईडीटी के एग्जांपल की एग्जाम्पल यशवंत देखते बैठेंगे हमारे को मतलब है डीटी एग्जाम्पल दो पहला है बोलो इनकम टैक्स आई थिंक हमें तो इस पर पूरा डिस्कशन करना है अगले ढाई महीने पता है डायरेक्ट टैक्स में एक और चीज होती थी वेल्थ टैक्स अब इसे क्या कर दिया गया है अबोलिश 2017 में इसे अबोलिश कर दिया गया अबॉलिश कर दिया मतलब रिमूव कर दिया गया ड्रेकोनियन टैक्स था सर पूछो कैसे देखिए हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं ना या उनके पेरेंट्स रहे हैं उन्होंने क्या झेला है इस इंडिया में ये समझिए पहले आप इनकम कमाओ और इनकम टैक्स भरो अब आदमी पैसा कमा के क्या लेता है प्रॉपर्टी लेता है यॉट एरोप्लेन बिल्डिंग्स कार्स गोल्ड ये सब लेता है इसके ऊपर फिर टैक्स भरना पड़ता था कॉल्ड एज वेल्थ टैक्स सोचिए क्या इशू था क्यों अबॉलिश किया सेम ही चीज पे आप दो बार टैक्स भर रहे थे पहले इनकम कमाई इस पर क्या भर दिया इनकम टैक्स अब इस इनकम से आपने गोल्ड लिया और इसकी वैल्यू बीस लाख रुपए के ऊपर जाती थी आपके पास इन टोटल तो उस पर आप फिर वेल्थ टैक्स भरते थे 2017 मोदी गवर्नमेंट ने इसे रिमूव कर दिया उन्होंने कहा एक ही चीज पे आप दो बार टैक्स भर रहे हो हमको ये नहीं चाहिए उन्होंने इसे रिमूव किया उन्होंने बोला ये एक टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफ़ी है क्योंकि वो ए, पहले इनकम कमाया इनकम पे वेल्थ आई इनकम से वेल्थ बनी और अब वेल्थ पे आप वापस टैक्स लोगे ये तो गलत हो रहा है भाई और बहनों मैं अमीरों से लूंगा गरीबों को दूंगा पर अमीरों से दो बार नहीं लूंगा बोला समझ में आया हम्म क्या आप जानते हैं इंडिया में मरने पे भी टैक्स था मतलब हाँ एक टैक्स हुआ करता था डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता था इसको बोलते थे एस्टेट ड्यूटी इसको क्या कहा देते थे एस्टेट ड्यूटी ये भी अबॉलिश कर दिया गया अब डायरेक्ट टैक्स में मोटे मोटे तौर पे एक ही चीज बची इनकम टैक्स पर एक एग्जाम्पल था स्टेट ड्यूटी ये आपके दादाजी को पूछिए उनको पता होगा पापा को नहीं पता होगा दादाजी को पूछिएगा कभी उनको पता होगा देखिए इनकम टैक्स में कैसा होता था पहले आदमी ने इनकम कमाई बराबर है इमेजिन मुकेश अम्बानी सर के डैड धीरू भाई अंबानी धीरू भाई अंबानी ने इनकम कमाई वो पहले इनकम टैक्स भरते थे फिर धीरू भाई अम्बानी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई वो इस पर क्या करते थे वेल्थ टैक्स फिर धीरू भाई अंबानी को सौ वर्ष पूरे हुए वो भगवान के पास गए एस्टेट पहुंच गई उनके दो बच्चों के पास मुकेश और अनिल अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुकेश के पास पहुंच जाता था हाँ जी सर टैक्स देखिए आपके डैड की एस्टेट आपको मिली अंडर अ द टैक्स। है ना आदमी मर गया उसने जीवन भर जो एस्टेट बनाई उस पर इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स तो दिया ही था मरने पे फिर एक बार जिसके पास एस्टेट जाती थी उसको फिर एक बार टैक्स भरना पड़ता था मतलब ने बोला, भाई कुछ मत जा। एस्टेट दे मत इसीलिए जो अमीर आदमी था वो गरीब बनता गया भारत में इसलिए कई लोग भारत छोड़ के गए पहले क्यों क्योंकि वो आदमी सौ रुपए कमाता था पहले इनकम टैक्स भर फिर उसके ऊपर वेल्थ टैक्स भर फिर उसी चीज के ऊपर एस्टेट ड्यूटी भर तो अमीर अमीर नहीं होता गया अमीर गरीब होता गया क्योंकि एक ही चीज पर तीन बार टैक्स भर रहा था वो एस्टेट ड्यूटी को एबॉलिश किया वेल्थ टैक्स को एबॉलिश किया लॉजिकली सिर्फ इनकम टैक्स भरो काम खत्म लॉजिकली सिर्फ क्या भरो इनकम टैक्स भरो काम खत्म इज दैट डन आज के लिए कॉन्टेंट इतना ही चलो रिवाइज करेंगे ठीक है कंटेंट इतना ही हम यहां रुक रहे हैं कंटेंट वाले पार्ट पे एक हाथ पेज लिख दिया होगा अभी तक एक हाथ पेज लिखा होगा अभी तक अच्छा अब आपको करना क्या है आज आपका पहला होमवर्क है रजिस्टर को पेज नंबर देना है सुनिए ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम इंडेक्स बनाएंगे कौन सी चीज कहां लिखी है जब आप सेल्फ स्टडी करते रहेंगे आपको खुद को है, है, आप सीधा इंडेक्स जाके देख चैप्टर इंडेक्स अलग बनाएंगे और सब्जेक्ट इंडेक्स अलग बनाएंगे तो चैप्टर इंडेक्स में हम लोग ये सारी चीजें डालेंगे तो आपको पेज नंबर आपका डालना है ये पहला होमवर्क है दूसरा अभी मैं आपके साथ थोड़ा सा स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए उस पर भी बात करूंगा दो मिनट रुक जाइए चलिए आज हम आए हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन किया वहां से हम आगे बढ़े प्लीज मेरे साथ एक बार पूरा घूमिए ठीक है सबसे पहले समझा हमने पेपर नंबर वन है टू है या थ्री है थ्री राइट right, इसके कितने पार्ट है दो, दोनों को एक साथ लिखना है अलग अलग लिखना है अलग अलग लिखना है पहला डी दूसरा जीएसटी दोनों भी तीन घंटे में ही खत्म करने हैं कौन से कलर से लिखना है हंड्रेड मार्क के पेपर में तीस मार्क का क्या है एमसीक्यू मतलब डी में कितने एम है पंद्रह आई में कितने एम है क्लियर है मालिक बात ये बना आपका टोटल राइट right? अच्छा अब निगेटिव मार्किंग है क्या नहीं फिर नंबर ऑफ चैप्टर मॉड्यूल के हिसाब से कितने हैं नौ no. हम कितने पढ़ेंगे मैंने आपको समझा दिया क्या डिवीजन हुआ फिर हम आगे बढ़े हमने टेक्निकल एंड सब्जेक्ट क्वेरीज देखी किसी को कोई भी डाउट होगा वो मेरे से अभी लेक्चर के बाद यहां आके पूछ सकता है एनी वन इज इन्वाइटेड एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कम नहीं आप ई भी कर सकते हो फिर हमने आगे देखा क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है कौन सी चीजें कितने मार्क्स के लिए आती है ये समझा तो हमने देखा कि आपको दो मॉड्यूल है डी में इन दो मॉड्यूल को पांच सेक्शन में डिवाइड किया है इन पांच सेक्शन के अंदर में नौ चैप्टर डिवाइडेड है और अगर आप देखेंगे हेड्स ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉट होते हैं समझ में आ रही बात फिर हम आगे बढ़े हमने सब्जेक्ट चालू किया इनकम टैक्स एक्ट 1961। आज हम सिर्फ एक वर्ड पढ़ पाए और दूसरे वर्ड का सिर्फ दो कंटेंट पढ़ पाए समझ में आ रही बात इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो हमने सबसे पहले एक्ट को खोदना चालू किया कि ये एक्ट बना तो इसकी हिस्ट्री क्या है सबसे पहले आया इनकम टैक्स के फादर कौन है इंडिया में सर जेम्स विल्सन फिर 1922 में पहली बार क्या बना एक्ट राइट right? फिर इंडिपेंडेंस के बाद एक्ट बना 1961 रूल्स बना एवरीबॉडी रिपीट रूल्स बना 1962 एक सवाल आज हम हमारे घर पे लेके जा रहे हैं एक्ट रूल्स सिक्सटी टू डिफरेंस तो हमने समझ लिया एक्ट और रूल्स में क्या होता है लेकिन ये दो अलग अलग ईयर में क्यों आए एक साथ आने चाहिए थे क्योंकि जिस ईयर में एक्ट आया होगा उस ईयर में इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कल डिस्कस करेंगे फिर हमने पढ़ा एक्ट में क्या क्या होता है क्या सिर्फ एक्ट पढ़ना है नहीं पहले क्या पढ़ना है एक्ट एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना है रूल्स रूल्स के साथ साथ क्या पढ़ना है नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के साथ साथ क्या पढ़ना है सर्कुलर और साथ साथ में केस लॉ क्योंकि लॉ कैसे वर्क करता है लॉ मेकर लॉ बनाता है इंप्लीमेंटर इंप्लीमेंट करता है और इंटरप्रेटर भी आता है इसलिए जब लॉ पढ़ते हैं नोटिफिकेशन सर्कुलर रूल्स और केस लॉ भी पढ़ना पड़ता है इंटरलिंकिंग हुआ क्या ये yes? अच्छा नोटिफिकेशन कौन इशू करता है सीबीडीटी सर्कुलर कौन इशू करता है कम्युनिकेशन ऑफ चेंज क्या होता है सर्कुलर या नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन यस क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट ऑल नोटिफिकेशन एंड सर्क्युलर डैश मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल तो इफ अटेम्प्ट इज इन नवंबर कहां तक के नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है मे तक के जो नोटिफिकेशन आएंगे सब तुम्हारे अटेम्प्ट में एप्लीकेबल हो जाएंगे यस और नो यस अच्छा फिर हमने देखा एक्ट को पढ़ते कैसे कोई एक्ट जब मैं पकड़ूंगा तो क्या होगा पहले एक्ट होंगे एक्ट में सेक्शंस होंगे तो एक्ट से डिवाइडेड होंगे क्या लाया होगा Proviso. Proviso का मतलब क्या होता है एक्सेप्शन टू दैट सेक्शन और एक्ट खत्म होते ही पीछे क्या दिए होंगे शेड्यूल शेड्यूल में क्या कवर होता है फॉर्मेट या टेबल्स जैसा भी जरूरत होगी वैसा राइट right? कितने शेड्यूल है इनकम टैक्स में फिर आया हमने समझा अगर एक्ट आया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए नहीं तो वो एक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा तो हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 265 आर्टिकल 265 का एक वर्ड अब तक हम पूरा नहीं तोड़ पाए हैं टैक्सेस अब तक उसके सिर्फ दो वर्ड पढ़े हमने टैक्सेस और ड्यूटीज में फर्क क्या है और टैक्सेस के टाइप क्या है अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें कल देखेंगे हाँ जी तो सबसे पहले आर्टिकल टू पढ़ा बोलो भैया आर्टिकल नो टैक्सेस कैन बी और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ ठीक है हाँ जी पहले आर्टिकल 265 पढ़ा मतलब पहले कोई भी एक्ट लगाने से पहले क्या होना चाहिए लॉ पास होना चाहिए राइट और ये लॉ कोई अथॉरिटी पास करेगी हु इज द अथॉरिटी टू पास द लॉ पार्लियामेंट या तो पार्लियामेंट रिसेस पे दो प्रेसिडेंट यस अच्छा जी फिर हमने समझा कि भैया टैक्स लगाना है तो कलेक्ट कौन करेगा

82 क्या लिखा था टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर तो क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता या सेंटर के पास पावर नहीं है तो ये पावर किसके पास है ठीक है फिर हम आगे बढ़े हमने देखा आखिर कोई एक्ट वर्क कैसे करता है कैसे पता चलता है अगले साल एक्ट में चेंज करना है तो हमें समझ में आया लॉ मेकर तो लॉ बना देता है जब इंप्लीमेंट करते हैं तब समझ में आता है कि गड़बड़ कहां हो रही है ये गड़बड़ सजेस्ट किए जाते हैं प्लस इंटरप्रिटेशनल वाली गड़बड़ भी सजेस्ट की जाती है तो अगले साल इसमें क्या आते हैं अमेंडमेंट तो आप एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं जिसमें हर छह महीने में क्या आते हैं चेंजेस समझ मारी बात इंटरप्रिटेशनल इश्यूज बदलते रह रहे हैं केस टू केस बेसिस पे यहां से हम देखा टैक्सेस नाम कवर्ड होता है टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं एक होता है टैक्सेस और ड्यूटी जहां सब्जेक्ट मैटर सिर्फ गुड्स हो वहां पर क्या होगा बचे हुए में सब्जेक्ट मैटर में क्या होगा टैक्सेस फिर हम आगे बढ़े टैक्स के कितने प्रकार है दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट खुद के जेब से जाता है इसलिए हमेशा चोट पहुंचाएगा सो yes नो no? er, इसीलिए आपकी जितनी भी प्लानिंग वाली चीजें हैं सर ऐसा करके टैक्स बच सकता क्या वैसा करके बच सकता क्या ये सब आप डी में पढ़ोगे और आई इतना चुपता नहीं है प्यारा सा सब्जेक्ट है दूसरे से लेना है किसी और को देना है समझ में आ रही बात तो व्हाट इज पर्सनल टैक्स डायरेक्ट टैक्स वट इज इम पर्सनल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स कैसे बेसिस पे है प्रोग्रेसिव जिसकी इनकम ज्यादा वो टैक्स ज्यादा भरेगा राइट right? और इनडायरेक्ट टैक्स कैसा बेटा रिग्रेसिव जिसकी इनकी कॉमन टू ऑल तो भैया मुकेश अंबानी को भी पार्ले जी का पैकेट उतने का ही पड़ेगा जीएसटी लगा के जितना आपको पड़ रहा है क्लियर है मालिक यस yes. अच्छा जी जीएसटी के दो आई uh, के दो एग्जाम्पल जीएसटी एंड कस्टम राइट और डी के तीन एग्जाम्पल हुआ करते ते, अब कितना बचा एक समझ में आया वेल्थ टैक्स क्या होता था इनकम कमा के जो आप वेल्थ बना रहे हो उस पर टैक्स अबोलिश करके सही किया गलत किया सही किया क्योंकि ये अमीरों को क्या बना रहा था गरीब फिर इस पर मरने पे भी एक टैक्स होता था जो आदमी मर गया उसकी एस्टेट जिसको जाती थी वो वापस टैक्स भरता था तो ये अमीर आदमी को और गरीब बनाए जा रहे थे इसलिए उसको भी अबोलिश किया अब एक ही चीज बची इनकम टैक्स और वही तो हम पढ़ रहे हैं समझ में आया पूरा का पूरा सब कुछ इंटरलिंक हुआ सुबह से लेके अभी तक का यस अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए

इतना ही स्लो जाएंगे और इतने ही कंटेंट वाइज जाएंगे लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैं इसको बिल्कुल स्किप नहीं करवाता हूं रीजन बड़ा सिंपल है आप घर पे जाकर के अगर इसको रीड आउट करोगे भले ही उस टाइम ध्यान ना हो पर आप घर पे जाकर भी जब रीड आउट करोगे इट मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड जिन बच्चों ने फाउंडेशन पढ़ा था याद करो अपन ने एक शॉर्टकट बनाया था इकनॉमिक्स का जो लास्ट में हेल्प हुआ था सेम यही चीज़ हम यहाँ बना रहे हैं हम हर चीज़ नहीं लिखेंगे पर जितनी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है जहां चार्ट बनाने हैं चीजों को शॉर्ट करना है वो हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे कॉन्टेंट आपको बहुत मजा आएगा बीच बीच में फन आएगा ये पूरा बात है जो आपको अब तक के लॉजिकली समझ में आ चुका होगा ठीक है अब इसके बाद में सेम लॉ के अंदर में भी होगा डीके लिखाने वाला पार्ट करेगा राइटिंग एग्जाम्पल वाला पार्ट करेगा आपको क्या क्या चीज की जरूरत है 200 पेज का रजिस्टर डीटी में लाना ही मत तुम ये मान के चलो 400 के भी दो खत्म होंगे डीटी में सिर्फ 50 मार्ग में बराबर है तो यू नीड अ फोर हंड्रेड पेजेस अगर आज आप रजिस्टर में लिख रहे होंगे यू नीड टू कलर पेन जिसमें से पहला कलर मैंडेटरीली क्या रख लो ब्लैक ताकि उससे प्यार हो जाए दूसरा आप रेड ब्लू कुछ भी रखना चाहो रख लो अपने हिसाब से ठीक है तीसरा यू नीड अ हाईलाइटर वाई ओनली इंपॉर्टेंट प्रोविजन नीड्स टू बी हाईलाइटेड राइट चौथा यू नीड अ कैलकुलेटर कैलकुलेटर जो होना चाहिए ये मेक श्योर sure कर लो ट्वेल्व डिजिट का होना चाहिए बराबर है डायरेक्ट टैक्स में काम आता है तो 12 डिजिट कैलकुलेटर आपको चाहिए कोई भी ले लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बराबर है इतनी चीज डिटी में आपको लगने वाली है जैसा कि मैंने कहा बुक्स आपको चार मिलने वाले हैं एज ऑफ नाउ प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और जितने बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब पे है एज ऑफ नाउ ऑनलाइन कनेक्टेड है आप अगर देखेंगे दीवार के ऊपर यहाँ पे जितनी भी दीवार है इसके ऊपर एक क्यू कोड है ये आपके क्लास का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप लोग मैंडेटरीली स्कैन करके तुरंत ज्वाइन कर लो ये इधर देखिए पिलर्स के ऊपर पिलर्स के ऊपर आपको देखो क्यू आर दिया हुआ है एवरी वन ऑफ यू शुड स्कैन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल और जो ऑनलाइन है ऑलरेडी ये? ये आज वहां डाल दिया जितने टेस्ट पेपर या अदर चीजें होंगी कोई रिविजन होगा कोई ऑडियो रिविजन होगा सब वहां पे अपन लोग डाल देंगे आर यू गेटिंग द पॉइंट और क्लास का कोई भी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा राइट right? और वो कोई वो चैट वाला ग्रुप नहीं है ये स्ट्रेट ऑफिशियल ग्रुप है इसी ऑफिशियल ग्रुप के अंदर में सभी लोगों को ज्वाइन करना है समझ में आया ताकि आपको क्लास का पूरा इंफॉर्मेशन यहां से एक जगह से मिल जाए एवरी अलर्ट फ्रॉम देयर ओनली अच्छा जी सर ये हो गया टेलीग्राम को ज्वाइन करना अब आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर सभी लोग अपना जो वीडियो लेक्चर जैसे आपके एडमिशन प्रोसेस होगा अगर आपने देख लिया डेमो मैं सामने से ऐसा दिखता हूँ इधर से ऐसा दिखता हूँ इधर से ऐसा दिखता हूँ अगर आपने डेमो समझ लिया होगा तो यू नो एडमिशन प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेकेंड फ्लोर पर एकत्वम का ऑफिस है नॉट इन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे एकत्वम का ऑफिस है वहां जाके आपको टेक्निकल टीम का नंबर या तो आपको नंबर दिया गया है टेक्निकल टीम को आपको कॉल करके अपने लेक्चर को एक्टिवेट करवा लेना मोबाइल या अदर चीज पे एवरी डे वी विल स्टार्ट एट सेवन थर्टी मोर और लेस फाइव मिनट्स बराबर है जैसे कि ना आप देखेंगे नौ बजे के आसपास डिपेंडिंग अपॉन क्या कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है हम पंद्रह मिनट का ब्रेक देंगे दस मिनट का ब्रेक देंगे और फिर हम ग्यारह बजे तक के उसको कंप्लीटली लेंगे ठीक है कुछ बातें मैं आपको बता दूं जनरली आपको संडे को छुट्टी चलिए बहुत अच्छी बात समझदार हैं आप ठीक <laughs> है मोस्टली अंडरस्टैंड कीजिएगा संडेज को छुट्टी आपको इनिशियली कुछ दिन या बीच में कुछ बार मिल जाएगी पर बी प्रिपेड संडे के दिन के लिए क्योंकि आपको अब तक समझ में आ चुका होगा लगभग चार घंटे अगर एक ही वर्ड पर डिस्कशन हो रहा है तो इसका डेप्थ कितना है समझ बात और ये सब सब्जेक्ट में उतना ही बड़ा डेप्थ रखता है एक बात याद रखना फाउंडेशन में आपसे दो बेसिक गलतियां हुई है पहला प्रोकेस्टिनेशन कर लेंगे कर लेंगे हो जाएगा बाद में क्या होता समझ में आ गया यह गलती पहले दिन से करना मत दूसरी गलती आपसे ये हुई है कि कई लोगों ने कई चीजें लिखेने और अंत में पछता है कोई आलस यहाँ पे काम नहीं आने वाला चुपचाप लिखने का और जितना कंटेंट है जितनी मस्ती आप फाउंडेशन में करते थे ना इंटर में उतनी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ही बहुत है

या फॉर दैट मैटर एक घंटे के ब्रेक के बाद मैं तो पकड़ता हूं सात से आपके पास टाइम है टिल ट्वेल्व बराबर है प्लीज इसे कुछ इस तरह से डिवाइड कीजिएगा आज ही मैं बता रहा हूं प्लीज समझना टू आपने ये अपना होमवर्क के लिए अलॉट करना चाहिए हर सब्जेक्ट में मान के चलिए होमवर्क तो होगा ही और होमवर्क नहीं है तो फिर सेल्फ स्टडी को ये पार्ट कोलॉट हो जाएगा ठीक है और लगभग लगभग 10 से 12 आपको क्या करना चाहिए सेल्फ स्टडी करनी चाहिए

बहुत सारा बर्डन एक साथ आ जाएगा ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है इसमें ये भी पढ़ना है एक्ट स्मार्ट थोड़ा सा इसको डिवाइड करो कैसे डिवाइड करोगे मैं समझाता हूं सर मंडे एंड ट्यूजडे मेक श्योर यू लर्न टैक्स प्लस अकाउंट्स एक दिन में दो ही सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी होगा उससे ऊपर का नहीं होगा तो तीनों तीनों करने का बोझ लेना ही नहीं समझ में आई बात दूसरे दिन वेनेसडे एंड थर्सडे आप इसको लॉ अकाउंट्स में डिवाइड कर दो बराबर है दो दिन का रिवीजन आराम से एक दिन में हो जाएगा और बोलो बेटा आप अक, आ, टैक्स प्लस अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को दो दिन मिलते हैं विच इज मोर देन सफिशियंट एक ही दिन में तीनों का बर्डन मत लो समझ में आ रही बात और एक ही दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट भी मत करो दो सब्जेक्ट करोगे तो सब लाइन से चलता रहेगा बराबर है तो इसको इस तरह से अगर आप डिवाइड कर दोगे आपको कोई बर्डन नहीं आने वाला और संडे को बनाओ सुपर संडे मतलब संडे के दिन का जो पहला का टाइम है आठ बजे से लेकर के आपका लगभग एक बजे तक का टाइम जितना हफ्ते भर में पढ़ा है बस क्विक रिविजन करने का बराबर है और संडे के दिन दोपहर में दो बजे के बाद कुछ नहीं करने का सिर्फ मस्ती करने का क्योंकि आपका तब तक के सब कुछ पढ़ के हो चुका होगा क्लियर है मालिक राइट तो ये चीजें हैं जैसा कि मैंने कहा टॉपिक होगा क्वेश्चन आंसर होंगे फिर ऑडियो रिविजन होगा फिर चार्ट रिविजन होगा सबकी डिटेल्स आपको वो QR से मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर बच्चों एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कम एल्स अभी आपका दर्शन सर का बेहतरीन लॉ लेक्चर है उतना ही कंटेंट वापस आने वाला है और मजेदार तरीके से होगा इस बात की गारंटी मेरी राइट सर लेक्चर में स्पीकर लगाएं या हेडफोन हेडफोन मेरे लेक्चर कृपया स्पीकर में ना सुने सर बुक कब तक डिस्पैच होगी ऑलरेडी हमने डिस्पैच करनी चालू कर दी है अकेले चाय पी के आ गए तुम अकेले चाय पी के आए ये गलत कर रहे हो। हाँ